नाउ वी आर टॉक टू अबाउट एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन ओके अब हम किसके बारे में बात करते हैं पॉलिनेशन के एजेंट्स के बारे में एज वी नो पॉलिनेशन के एजेंट कितने टाइप के होते हैं एबायोटिक एजेंट एंड बायोटिक एजेंट कैसे कैसे एजेंट एक तो एबायोटिक एजेंट एंड दूसरा सॉरी यहां पर बायोटिक एजेंट होगा ओके सेकेंड वन बायोटिक एजेंट ओके तो देखो यार अगर ए बायोटिक एजेंट है तब तो कोई दिक्कत नहीं है जो फ्लावर होगा या जो प्लांट होगा उसे किसी भी तरीके से मॉडिफाई होने की ज़रूरत नहीं है कि किसी और के लिए वो खुद को मॉडिफाई करे। बट अगर बायोटिक एजेंट लग रहा है तो एज वी नो लिविंग थिंग्स लिविंग थिंग्स का नेचर ही यही है कि बिना किसी रिवाइड के वो कोई काम नहीं करता अब जैसे हम ले लेते हैं ए एजेंट में वैसे मोस्टली अगर बात करें तो जो पॉलिनेसन होता है वैसे आप पॉलिनेशन तो समझ रहे हो ना हाँ अभी हम पीछे बात करके आ रहे हैं पॉलिनेशन के बारे में ओके मे बी ये सेकेंड वीडियो हो तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देख रखा है तो प्लीज इस चैप्टर का जाके फर्स्ट वीडियो देखिए देन वैसे वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो, हो सकता है तो मैं इस पार्ट को सेकेंड मतलब यहाँ से मे बी मैं कट कर दू सेकेंड में डाल दूँ तो प्लीज यार आप जाके फर्स्ट वीडियो देखिएगा देन सेकेंड वीडियो देखिए देखिएगा ओके तो यहाँ पे हम किसके किसके बारे में बात कर रहे हैं बायोटिक एजेंट ओके तो जैसा कि मैं बोल रही थी कि ये जो पॉलिनेशन होता है पॉलिनेशन मोस्टली किससे होता है बायोटिक एजेंट से होता है और रेयर केस में किससे होता है एबायोटिक एजेंट से होता है तो वही मैं आपसे बोल रही थी कि अगर ए बायोटिक एजेंट से हो रहा है तो ए बायोटिक एजेंट में क्या क्या आ रहा है आपका बिंड आ रहा है एंड वाटर uh, आ रहा है एक एयर और वाटर तो एयर और वाटर को किसी रिवाइड की जरूरत होगी कभी नहीं होगी लेकिन यहाँ पे ये यह जो बायोटिक एजेंट है ये तो पूरे मतलब बिना किसी रिवाइड के कोई काम नहीं करेगा है ना तो यहाँ पे हम जरा से देख लेते हैं प्लांट्स यूज टू बायोटिक बिंड सॉरी ए बायोटिक ए बायोटिक में क्या क्या है एक तो बिंड है एंड सेकेंड वन क्या है वाटर है एंड वन बायोटिक बायोटिक में क्या है एनिमल्स हैं ज सिंपल एज डेट बायोटिक में एनिमल्स ही आएगा एजेंट टू अचीव पॉलिनेशन मेजोरिटी ऑफ प्लांट यूज बायोटिक एजेंट जैसा कि मैंने आपको बताया ओके फॉर पॉलिनेशन ओनली स्मॉल प्रोपोर्स ऑफ प्लांट्स यूज टू ए बायोटिक एजेंट जैसा की अभी अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ पॉलिंग कमिंग इन कॉन्टेक्ट विदिग्मा इज अ चांस फैक्टर इन बोथ बिंड एंड वॉटर तो जैसा कि मैंने बताया कि भाई ये जो ए बायोटिक एजेंट है ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो ए बायोटिक एजेंट है तो यहाँ पे अब कोई आ, मतलब जरूरी तो है नहीं कि ये जो हवा चल रही है या फिर वाटर का जो फ्लो है वो किसी आ, मतलब उसी दिशा में हो जिधर पे एक फीमेल फ्लावर हो या फिर मेल फ्लावर हो ऐसा तो कोई जरूरी है नहीं लेकिन हाँ अगर जैसे यहाँ पे बायोटिक एजेंट है तो अगर वो नेक्टर के लिए नेक्टर के लिए अगर किसी फ्लावर पे बैठा है तो वो जरूर दूसरे फ्लावर पे भी जाएगा पॉलिन पॉलिन ग्रेन जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता रखा है कि भाई पॉलिनेशन होता कैसे है तो आपके दिमाग में वो सारी बातें होंगी ओके तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं ये तो एक चांस की बात है एबायोटिक एजेंट में ये तो एक चांस की बात है इसीलिए इसीलिए ये जो एबायोटिक एजेंट से पॉलिनेशन होता है इसीलिए रेयर केस में होता है ओके तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि एबायोटिक एजेंट है तो कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब फर्टिलाइजेशन होगा ही होगा पॉलिनेशन कंप्लीट होगा दिस इज ओनली चांस फैक्टर चांस फैक्टर इन बोथ बिन एंड वाटर टू कंपेंसेट फॉर दिस अनसर्टेनिटीज एंड एसोसिएट लॉस ऑफ पॉलन ग्रेन तो हाँ जी इस कंडीशन में पॉलन ग्रेन का लॉस भी होता है द फ्लावर्स प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन वेन कंपेयर टू द नंबर ऑफ ओब्यूल्स अवेलेबल फॉर पॉलिनेशन जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि जितने जितने यहाँ पे स्टिग्मा होते हैं जितने फीमेल गैमिट होते हैं उससे कहीं ज़्यादा जितने ओव्यूल होते हैं जितने अरे मतलब वही बात होगी ना जितना स्टिग्मा होगा उतना ही तो ओव्यूल होगा है ना तो जितने ओव्यूल होंगे उससे न्यूमेरस नंबर में उससे कहीं ज़्यादा नंबर में क्या प्रेजेंट होते हैं ग्रेन प्रेजेंट होते हैं क्योंकि नेचर को ये बात अच्छी तरीके से पता है कि ये जो वाटर है या फिर एयर है यह जरूरी नहीं है कि उसी दिशा में जाए जिधर पे ओव्यूल है, है ना? तो किसी भी दिशा में बह सकती है, है, है का तो तो किसी भी दिशा में हो हो सकता ना? इसीलिए ही जाए, और जो विंड होती है एयर के थ्रू कॉमनली अगर ए अगर ए बायोटिक एजेंट के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो मोस्टली किसके थ्रू होगा एयर के थ्रू पॉलिनेशन होगा ओके okay?

एयर uh, के साथ एयर से पॉलिनेशन होना है एयर से पॉलिनेशन होना है तो क्या होना चाहिए जो स्टेमिन है वो कैसा होना चाहिए वेल well एक्सपोज होना चाहिए ओके सो दैट द पोलन आर इजली डिस्पॉय टू विन करेंट बातें समझ में आ रही एकदम स्पष्ट तरीके से एकदम साफ तरीके से लिखा गया है क्या लिखा गया है कि पॉलन कैसा होना चाहिए वेल एक्सपोज सॉरी स्टेमिन स्टेमिन कैसा होना चाहिए स्टेमिन मीन समझ रहे हो ना आप जी हाँ जी बिल्कुल आना चाहिए समझ में ओके okay? स्टेमिन इस इस्टेमिन कैसा होना चाहिए वेल एक्सपोज होना चाहिए मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाया था कि स्टेमिन कैसा होता है सारी बातें क्लियर होनी चाहिए ओके और मैंने आपको पीछे भी बता रखा है कि भाई यहाँ पे क्या चल रहा है एक चेन चल रही और इसमें से अगर बीच की कड़ी निकल गई तो सारी बातें वहीं पे बेकार हो जाएंगी कुछ नहीं समझ में आएगा तो यार इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि आप स्टेप टू तो स्टेप चलिए चीज़ें ऑलवेज क्लियर रहेंगी बातें हमेशा क्लियर रहेंगी आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे ओके तो यहाँ पे हम क्या देख रहे थे देखिए कि यहाँ पे क्या होना चाहिए कि जो स्टेमिन है वो कैसा होना चाहिए वेल एक्सपोज होना चाहिए ओके स्टेमिन वेल एक्सपोज होगा तो क्या होगा कि ये जो स्टेमिन है इसमें जो पॉलेंस है पॉलन्स पॉलेंस क्या होंगे हवा के साथ आसानी से डिस्पर्ड हो हो सकेंगे है ना यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हो 2.10 में ये देखिए यहाँ पे ये जो इस्टेमिन है यहाँ पे जो ये सब अलग अलग बिल्कुल दिख रहे हैं एंड लार्ज ऑफ एंड फेदरी स्टिगमा टू इजली ट्रैप एयर एयर बॉर्न ग्रेन तो देखिए क्या होगा जो स्टिग्मा होगी स्टिग्मा को कैसा होना चाहिए देखिए स्टेमिन कैसा है स्टेमिन बेल एक्सपोज होना चाहिए स्टिग्मा कैसी होनी चाहिए फेदरी होनी चाहिए अगर स्टिग्मा फेदरी होगी तो क्या होगा कि जो पोलिन ग्रेन्स उड़ के आएंगे जो पोलिनग्रेन्स ग्रेन्स उड़ के आएंगे स्टिग्मा पे फंस जाएंगे स्टिग्मा अगर फेदरी है तो ए लार्ज ऑफ फेदरी स्टिग्मा टू इजिली ट्रैप एयर बॉर्न पोलिन ग्रेन्स अगर स्टिग्मा फैदरी है तो ग्रेन्स तो जब उड़ के आएगा एयर के साथ तो इसके फैदर में ट्रैप हो जाएगा इसके फैदर में फंस जाएगा विंड पॉलिनेशन फ्लावर्स हैव एनव सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी एंड एंड न्यूमेरस फ्लावर पैक्ट इन टू एंड इन फ्लोरोसेंस ए फैमिलियर एग्जाम्पल टू कॉर्न कॉब क्या एग्जाम्पल है इसका कॉर्न कॉब द टेसल्स यू सी आर नथिंग बट द स्टिग्मा एंड स्टाइल विच बेव इन द विंड ट्रैप पॉलिन ग्रीन तो इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल भी दिया गया है विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेज बिन बिन पॉलिनेशन कहाइट होता है कॉमनली ग्रासेस में ओके पॉलिनेशन बाई वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट एंड लिमिटेड इन अबाउट थर्टी जनरा तो वाटर के थ्रू वाटर के थ्रू पॉलिनेशन बहुत ही कम केसेस में होता है कितने केसेज में होता है सिर्फ और सिर्फ थर्टी जनरा में कितने केसेस में थर्टी जनरा में और ज़्यादातर ये जैसे आप देख रहे हैं थर्टी जनरा में मोस्टली वाटर के थ्रू पॉलिनेसन कहाँ पे होता है किस में होता है मोनोकोटिलीडेंस में होता है वाटर के थ्रू पॉलि पॉलिनेशन तो यार ये बातें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं तो वहाँ पे आपको ये बात याद रखनी होगी कि वाटर के थ्रू मोस्टली पॉलिनेसन कहाँ पे होता है आपसे वन वर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो यार आप ये बात ध्यान रखिएगा ओके एस दिस यू वाटर इज रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द मेल गैमिट इमंग द लोअर प्लांट ग्रुप सच एज एलगी ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स ओके और जो ब्रायोफाइट है ब्रायोफाइट जो है इसे तो हम किस नाम से जानते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट के नाम से जानते हैं एम्फीबियंस से आपको एक बात यहाँ पे समझ में आ रही है कि भाई ये ये कहाँ कहाँ रह लेता है जल थल दोनों में रह लेता है बातें समझ में आ रही हैं इट इज बिलीव पर्टिकुलरली फॉर सम समयफाइट्स एंड टेडोफाइट दैट आर डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड बिकॉज ऑफ द नीड फॉर वाटर फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमिट्स एंड फर्टिलाइजेशन तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि जो ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है लिमिटेड है क्योंकि ये क्या करते हैं इनका जो मेल गैमिट का या फिर जो पॉलिनेशन होता है जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ कैसे होता है वाटर में होता है सम एग्जांपल्स ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स आर वेलिसनेरिया हाइड्रेला ग्रो इन फ्रेश वाटर एंड सेवरल मेराइंसी ग्रासेस सच है नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन यहाँ पे आपको बातें समझ में आ रही हैं अब जरूरी नहीं है कि जो जो प्लांट वाटर में रह रहा है जो प्लांट वाटर में रह रहा है वो वाटर के थ्रू इसमें पॉलिनेशन हो बातें समझ में आ रही हैं तो अब हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जो प्लांट जो प्लांट वाटर में है उसमें फर्टिलाइजेशन भी वॉटर के थ्रू ही होगा पॉलिनेशन भी मीन्स पॉलीनेशन पॉलिनेशन भी वाटर के थ्रू ही होगा मे बी विंड के थ्रू भी हो सकता है जिससे एयर के थ्रू भी हो सकता है इन्हें मेजोरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट सच एज वाटर हाइसेंथिया, अच्छा वाटर हाइसेंथिया आपको कुछ याद आ रहा है लास्ट चैप्टर में हम पढ़े थे जिसे हम किस नाम से जानते हैं टेर ऑफ बंगाल के नाम से टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं एंड वाटर लिली तो यहाँ पे जो ये बात मैंने आपको बताई तो बस उसी का एग्जाम्पल है कि ये प्लांट रहते कहाँ है वाटर में रहते हैं वॉटर हाईसेंथिया टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जिसे हम जानते हैं एंड वाटर लिली बट हां पॉलिनेशन वाटर के थ्रू नहीं होता है द फ्लावर इमर्ज एब द लेवल ऑफ वाटर एंड पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट ध्यान दीजिएगा इंसेक्ट और बिन सोचिए ये जो है रहते तो वाटर में है लेकिन पॉलिनेशन पॉलिनेशन किसके थ्रू हो रहा है इंसेक्ट और विंड के थ्रू हो रहा है तो यार ये बातें ध्यान रखिएगा आपसे ये बात ज़रूर पूछी जाएगी देखिए जहाँ पे थोड़ा सा मतलब आ, मतलब एग्जामिनर को लगता है कि हाँ ये चीज़ें स्टूडेंट नहीं याद रख पाएंगे तो यार इसलिए मैं ये बात बता देती हूँ कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से पुटअप किए जाएंगे ओके तो यहाँ पे मतलब ये बात थोड़ा मैटर बनता है भूलने वाला कि स्टूडेंट को लगता है कि हाँ भाई ये प्लांट कहाँ रह रहा है

एंड द मेल फ्लावर ऑफ और पॉलन ग्रेन आर रिलेज ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर तो ये यहाँ पे जो वेलेसनेरिया का एग्जाम्पल दिया गया है ये रहता वाटर में है लेकिन ये क्या करता है अपने जैसा कि आप आगे अभी मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगी अपने स्टॉक के बलबूते ये कहाँ पर आ जाता है वाटर की सरफेस पे आ जाता है ओके फ्लावर द रीच सर्फेस ऑफ द वाटर बाई द स्टाक and the male flower male flower or pollen grain are released on the surface of water to so, jo male flower hota hai wo water ke surface pe apna pollen release kar deta they are carried passively by the water current तो so, अब जैसा कि मैंने बताया कि ये वाटर के थ्रू मतलब वाटर के फ्लो के थ्रू वाटर में अब रिलीज कर दिया तो वाटर से ही आएंगे एज सिंपल एज दैट

ंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल ये बहुत ज़्यादा कलरफुल भी नहीं होते हैं और नेक्टर को भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं क्यों क्योंकि अभी इन्हें किसी को अट्रैक्ट तो करना नहीं है कि हाँ कोई इंसेक्ट आए कोई एनिमल आए कोई वैट आए वही बात मतलब एनिमल कोई आए तो उसे अट्रैक्ट तो करना नहीं है कि हाँ वो आए तो मुझे उसे रिवार्ड देना होगा दुनिया भर की बात ऐसा तो कुछ है नहीं अब यहाँ पर सिर्फ इतना है कि हाँ एयर का अपना काम ही है फ्लो करना एंड वाटर का भी अपना काम है फ्लो करना तो उसके साथ साथ पॉलिनेसन भी हो जा रहा है बात अलग है मेजोरिटी ऑफ फ्लॉरिंग प्लांट्स यूज अ रेंज ऑफ एनिमल्स एज पॉलीनेटिंग एजेंट तो ये जो पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं एनिमल्स में ये कौन कौन से हो सकते हैं वीज हो सकते हैं बटरफ्लाई हो सकते हैं फ्लाइज हो सकते हैं वीटल्स हो सकते हैं वॉस् हो सकती हैं एंड्स हो सकती हैं मॉथ्स हो सकते हैं बर्ड्स हो सकते हैं सनबर्ड एंड हमिंग बर्ड्स एंड बैट्स आर द कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट तो इत एनिमल्स में एनिमल्स में इतने पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं ध्यान दीजिएगा ओके एमंग द एनिमल इंसेक्ट्स पर्टिकुलरली बीज आर द डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट जो बीज होती हैं मधुमक्खियाँ 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 तो भाई सबको पता है फेमस हैं ये डोमिनेंट होती हैं किसमें बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट में इवन लार्जर एनिमल्स सच है सम प्राइमेट्स जिसमें क्या आता है लिम्यूर्स होता है अर्बोरियल ट्रिडवेलिंग, रोडेंट्स आर इवन रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में क्या है गीको लिजाइड है एंड गार्डन लिजाइड है हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड इन सम ओके ऑफन फ्लावर्स ऑफ एनिमल्स पॉलीट पॉलीनेटेड प्लांट्स आर स्पेसिफिकली एडोप्टेड फॉर पर्टिकुलर स्पेसीज ऑफ एनिमल्स तो ध्यान रखिएगा जैसे एनिमल्स होते हैं खुद को उसी हिसाब से अडोप्ट करते हैं जैसे जैसे एनिमल इवॉल्व होते हैं सिमिलरली सिमिलरली प्लांट भी प्लांट भी खुद खुद को उसी हिसाब से स्पेसिफाई करते हैं खुद को उसी हिसाब से इवॉल्व करते हैं उसी हिसाब से इवॉल्व होते हैं मतलब जिस हिसाब से पॉलिनेटिंग एजेंट जो होगा उसको जिस हिसाब से जैसे रिवॉर्ड की जरूरत होगी वो बोलेगा कि हाँ भाई अगर तुम्हें नेक्टर की जरूरत है तो तुम नेक्टर ले जाओ अगर तुम्हें इन्फ्लोरेसेंस की जरूरत है तो तुम इन्फ्लोरेसेंस भी तुम्हारे लिए तैयार है अगर तुम्हें कलर की जरूरत है तुम्हें कलर पसंद है तुम कलर से अट्रैक्ट होते हो तो हाँ भाई आओ मेरे पास कलर भी हैं तो उसी हिसाब से प्लांट भी खुद को मॉडिफाई कर लिए हैं तो यार देखो आज की डेट में हमें कैसे कितने अच्छे अच्छे तरीके के फ्लावर्स देखने के लिए मिलते हैं जो कि हमें लगता है कि ये फ्लावर्स सिर्फ हमारे लिए बने हैं और हम उन्हें इंजॉय करते हैं तो यार ऐसा नहीं है फ्लावर वो अपनी सेल्फिशनेस के लिए बने होते हैं वो वो मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर लार्ज कलरफुल फ्रेगरेंट एंड रिच रिच इन नेक्टर ये सब किसके लिए होता है नेक्टर वगैरह कलरफुल ये सब किसके लिए होता है मैंने आपको बताया है ना और ये जो फ्रेगरेंट होती है खुशबू ये सब किसके लिए होता है इंसेक्ट के लिए होता है जो इंसेक्ट पॉलिनेटर होते हैं उनके लिए होता है द फ्लावर्स आर आर स्मॉल ए नंबर ऑफ फ्लावर्स क्लस्टर्ड एन टू मेक फ्लोर और क्या होता है कि जब फ्लावर दिखने में छोटे होते हैं जब फ्लावर दिखने में छोटे होते हैं तो वो क्या करते हैं खुद को खुद का क्लस्टर बना लेते हैं इन फ्लोरेश में आ जाते हैं जिससे वो बड़े दिख सकें जो इंसेक्ट होते हैं जो मतलब ये पोल इंसेक्ट पॉलिनेटर होते हैं उनको मतलब बड़े दिख सकें और वो अट्रैक्ट होकर उनके पास आ सकें एनिमल्स आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर बाई कलर एंड और फ्रेगरेंस तो ये इन्हें पता होता है फ्लावर्स को मतलब पता होता है देखो मतलब नेचर प्लांट को ह्यूमन को मतलब सबको एनिमल्स को कैसे उसके हिसाब से इवॉल्व करती है तो उसी हिसाब से देखिए यहाँ पे जो फ्लावर होते हैं तो फ्लावर को उसी हिसाब से इवॉल्व किया गया है कि यहाँ पे जो एनिमल होते हैं जो पॉलिनेट करते हैं जो पॉलिनेस जो पॉलिनेटर होते हैं उनको क्या अट्रैक्ट करता है फ्लावर्स का जो कलर होता है जो उनकी खुशबू होती है वो उन्हें अट्रैक्ट करती है दफ The flowers pollinated by flies and beetles secrete foul odors to attract these animals. Flowers को पता होता है कि ये जो foul odor हैं, ऐसी स्मेल जो होती है वो flies को, beetle flies को, इन्हें सबको पसंद आती है। तो इसीलिए वो ऐसी इस, मतलब ये सीक्रेट करते हैं। The sustained animal visit the flowers and provide reward to the animals. फ्लावर्स क्या करते हैं ये जो एनिमल्स uh, होते हैं इन्हें रिवॉर्ड रिवॉर्ड प्रोवाइड करवाते हैं नेक्टर एंड नेक्टर एंड पॉलिन ग्रेन्स आर द यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड्स वैसे फ्लावर्स का फ्लावर्स का जो यूजुअल रिवॉर्ड होता है वो क्या होता है नेक्टर होता है ओके द बॉडी ऑफ द एनिमल्स गेट्स कोटिंग ऑफ कोटिंग ऑफ पॉलिन ग्रेन विच आर विच आर जनरली स्टिकी इन एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर तो क्या होता है ये जो स्टिकी ग्रेन होते हैं इंसेक्ट की बॉडी पर चिपक जाते हैं ग्रेन कैसे होते हैं ग्रेन्स स्टिकी होते हैं तो ये क्या होते हैं जो इंसेक्ट की बॉडी होती है उस पर चिपक जाते हैं जब आपने देखा था ना ये तो बायोटिक एजेंट से जो पॉलिनेशन हो रहे हैं उनकी बात हो रही है और जो ए बायोटिक से हो रहे थे मतलब जो एयर के थ्रू एयर के थ्रू जिनमें पॉलिनेसन हो रहा था वहाँ पे आपने क्या देखा था वहाँ पे आपने देखा था कि पॉलिन ग्रेन जो पॉलिन ग्रेन था वो कैसा था लाइट था और क्या था हल्का था और वहाँ पे आपने जो स्टेमिन देखा था स्टेमिन बेल एक्सपोज्ड था स्टेमिन कैसा था बेल एक्सपोज्ड था जिससे जैसे ही हवाएं पॉलन ग्रेन निकले और हवा के साथ फीमेल गैमिट तक पहुंच जाए लेकिन आप यहाँ पे क्या देख रहे हो जब बायोटिक एजेंट से पॉलिनेसन हो रहा है तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि जो पॉलन ग्रेन है वो कैसा है स्टिकी है वहाँ पे तो नॉन स्टिकी था जिससे चिपके ना अगर चिपक जाता तो वो हवा के साथ बिंड के साथ फ्लो कैसा होता कैसे होता लेकिन यहाँ पे क्या है जो ये ग्रेन स्टिकी है तो यहाँ पे जो इंसेक्ट आएगा तो ग्रेन उसके ऊपर गिरेगा और चिपक जाएगा when the animal carrying pollen on its body comes in contact with the stigma तो क्या होगा कि ये पोलन जो मतलब इंसेक्ट होगा जिस, जिसके कांटेक्ट में पोलन आया है वो एनिमल क्या करेगा वो कैरी करेगा पोलन ग्रेन को कहाँ तक स्टिग्मा तक इट ब्रिंग्स अबाउट पोलिनेशन ये इसे किस फॉर्म में ले जाता है कैसे ले जाता है जैसे भी ले जाता है इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं पॉलीनेशन बोलते हैं तो यार बहुत सिंपल सिंपल बातें हैं आपको समझ में आई होंगी ओके तो आगे चलते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जो रिवॉर्ड के तौर पे जो रिवॉर्ड के तौर पे क्या देती हैं इंसेक्ट को सेफ प्लेसेस देती हैं सेफ प्लेसेस देती हैं कि हाँ भाई आओ हम तुम्हें जो है सेफ प्लेस दे दे रहे हैं इंसेक्ट को बोलते हैं इंसेक्ट से बोलते हैं कि आओ हम तुम्हें सेफ प्लेस दे रहे हैं यहाँ पे अपना एग ले करो एन एग्जांपल इज दैट द टॉलस्ट फ्लावर ऑफ एमआर4 फेलस द फ्लावर इटसेल्फ इज अबाउट सिक्स फीट इन हाइट ओके सिमिलर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन अ ऑफ मॉथ एंड द प्लांट यूक्का वेयर बोथ स्पीशीज मॉथ एंड द प्लांट तो यहां पे ये यह जो प्लांट है युक्का एंड जो स्पीसीज़ है मोत की तो इनमें कुछ ऐसा ही रिलेशनशिप है कैन नॉट कम्प्लीट दियर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर ये मतलब ना युक्का और ये जो मोत है ये दोनों मतलब अकेले अपनी लाइफ साइकिल को कम्प्लीट नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पे क्या रिलेशनशिप रहा है इनका कि मतलब कुछ जो फ्लावर होते हैं वो क्या करते हैं इंसेक्ट को बोलते हैं एग ले करने के लिए उन्हें सेफ प्लेसेस देते हैं तो इंसेक्ट जो है वहां पे वो सेफ प्लेस होता है वहां पे एग लेकर प्लांट का पॉलिनेशन कहता है द लार्वा ऑफ द मोथ कम आउट आउट ऑफ द एग्स एग्सार्टिंग डेवलप मोथ का लार्वा बाहर का बात है जब ये एग क्या करते हैं डेवलप करने लग जाते हैं ओके okay, बातें समझ में आ रही हैं आगे चलते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइस की बात करते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइस ध्यान से समझिए आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की अगर बात करूं तो इट्स ओनली डिवाइसेस फॉर प्रमोटिंग क्रॉस पॉलिनेसन आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की मैं बात कर रही हूं तो आउटब्रीडिंग डिवाइस एक ऐसी डिवाइस है जो कि किसको प्रमोट करती है क्रॉस पॉलिनेशन को तो थोड़ा सा तो देखते हैं उट्रीडिंग डिवाइस के बारे में मेजोरिटी ऑफ फ्लाइट फ्लावर्स एंड पॉलन ग्रेन लाइकली टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिगमा ऑफ द सेम फ्लावर हर्माफ्रोडाइट कब बोलेंगे पता है हर्माफ्रोडाइट जब जिस फ्लावर पे मेल एंड फीमेल मतलब स्टिग्मा और पॉलन ग्रेन किसी एक फ्लावर पे हों बातें भी वही लिखी गई हैं फ्लावर्स

या फिर कंटिन्यू सेल्फ पॉलिनेशन होता रहेगा कंटिन्यू सेल्फ फर्टिलाइजेशन या सेल्फ पॉलिनेशन जिसे मैं बोल रही हूँ चलता रहेगा तो रिजल्ट एंड क्या होगा एक टाइम पे इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा इनब्रीडिंग डिप्रेशन में समझ रहे हो मतलब कि जो ब्रीडिंग है वो अच्छी तरीके से ना हो पाना मतलब कि जो प्रोडक्टिविटी है जो यहाँ पे जो सेल्फ पॉलिनेशन के बाद जो प्रोडक्टिविटी है वो लेस हो जाएगी वो कम हो जाएगी फ्लॉरिंग हैव डेवलप मेनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेसन एंड इनकरेज क्रॉस पॉलिनेसन तो यहाँ पे जो ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं यहाँ पे बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि क्या करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन को मतलब डिस्करेज करती हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करती हैं क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करती हैं इन सम सम्पीसीज पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज either the pollen is released before the stigma becomes receptive or stigma become receptive much before the release of pollen हाँ तो यार ये बात सही है तो ऐसा जरूरी तो है नहीं कि जब pollen release हो मतलब pollen का release होना है and stigma का maturation स्टिग्मा का मैचुरेशन सेम टाइम पे हो ऐसा ज़रूरी तो है नहीं मे बी स्टिग्मा पह स्टिग्मा जो है पहले मैच्योर हो जाए पोलिन बाद में रिलीज हो एंड क्या हो कि पोलिन जो है रिलीज हो जाए और स्टिग्मा बाद में मैच्योर हो स्टिग्मा मैचुरेशन बाद में हो तो ये जरूरी तो है नहीं कि सारी चीज़ें सेम टाइम पे हो इन सम इन सम अदर स्पीसीज द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एंड डिफरेंट पोजिशन सो दैट द पोलन कैन नॉट कम इन विद द द स्टिग्मा ऑफ़ सेम फ्लावर तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे कुछ ऐसी डिवाइसेज हैं जो कि एक तो यही बात हो गई कि भाई पॉल जरूरी नहीं कि की सेम टाइम पे रिलीज हो उसी टाइम पे स्टिग्मा मैचुरेशन आ जाए तो एक डिवाइस तो ये हो गई जो कि क्या कर रही है सेल्फ पॉलिनेशन को डिसक्रेज कर रही है जो की क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट कर रही है क्या कर रही हैं डिस्करेज कर रही हैं ऑटोगेमी को प्रिवेंट कर रही हैं ओके बातें समझ में आई एक बात तो ये रही कि जरूरी नहीं है कि दो मतलब पॉलिन भी उसी टाइम पे रिलीज हो और स्टिगमा भी उसी टाइम पे मेच्योर हो और दूसरी बात ये कि इन सम अदर स्पीसीज द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजिशन सो दैट द पॉलन कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर तो एक तो ये रहा जो कि क्या कर रहा है कि सेल्फ पॉलिनेशन ऑटोगेमी को ऑटोगेमी को प्रिवेंट कर रहा है ऑटोगेमी को डिस्करेज कर रहा है तो ये वही बात हुई ना जो मैंने मतलब बात की कि हाँ कुछ, भाई कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं यहाँ पे जो कि ऑटोगैमी को डिस्करेज करती हैं जो कि ऑटोगैमी को डिस्करेज करती हैं ओके okay, बातें समझ में आ रही हैं आगे चलते हैं इन थर्ड डिवाइसेस टू प्रिवेंट इन ब्रीडिंग इन सेल्फ इनकमिलिटी दिस इज जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट सेल्फ पॉलन फ्रॉम द सेम फ्लावर और अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट तो यहाँ पे एक बात समझिएगा थर्ड डिवाइस में ये जो थर्ड डिवाइस है यहाँ पे आप एक बात समझिएगा कि प्रिवेंट इन ब्रीडिंग इन सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी देखो यार बातें ध्यान से सुनिएगा स्टिग्मा पे जो पॉलिन आ रहा है वो सेम फ्लावर का हो या फिर उसी प्लांट के उसी प्लांट के किसी और फ्लावर का पॉलन ग्रेन हो तो क्या होता है कि उसे भी स्टिग्मा क्या कर देती है रिजेक्ट कर देती है उसे भी स्टिग्मा रिजेक्ट कर देती है कि अगर भाई ये तो उसी फ्लावर का पॉलिन है जिस फ्लावर से स्टिग्मा है या फिर जिस प्लांट का मतलब जिस स्पीसीज से ये स्टिग्मा है उसी स्पीसीज से पॉलन भी आ रहा है तो स्टिग्मा क्या करती है उस पॉलन को रिजेक्ट कर देती है क्योंकि ये कैसे होते हैं जेनेटिकली सेम होते हैं तो इसीलिए ये जेनेटिकली सेम होते हैं तो स्टिग्मा कहती है कि भाई यहाँ पे मतलब जेनेटिकली जैसे मैं हूँ वैसे ही तो पॉलन आया है तो यहाँ पे कुछ वेरिएशन चाहिए इसीलिए क्या होता है कि स्टिग्मा पोलन को रिजेक्ट कर देती है बातें समझ में आई ओके तो यहाँ पे देखिए Another device to prevent self-pollination is the production of unisexual flower. In both male and female flowers are present in the same plant, such as castor and maize. ये कैसे होते हैं? Monoecious. It prevents autogamy but not geitonogamy. ये क्या करते हैं? Autogamy को तो prevent करते हैं लेकिन geitonogamy को नहीं. अच्छा geitonogamy में क्या होता है? बातें याद हैं? फंक्शनली ये क्रॉस पॉलिनेशन होते थे लेकिन जेनेटिकली ये ऑटोगैमी होते थे मतलब यहाँ पे बातें समझ में आ रही हैं यहाँ पे हो क्या रहा है मतलब कि फ्लावर अलग अलग हैं लेकिन प्लांट एक ही, ही है फ्लावर अलग अलग हैं तो यहाँ पे जेनेटिकली तो ये सेम ही रहेंगे लेकिन फंक्शन फंक्शन मतलब अलग अलग फ्लावर का स्टिग्मा है अलग फ्लावर का पॉलिन ग्रेन है तो ये फंक्शनली कैसे हैं क्रॉस पोलिनेशन सो कर रहे हैं इन सेवरल स्पीशीज सच एज पपाया मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंटेड डिफरेंट प्लांट ये बात तो हमें पता ही है यहाँ पे होता है कंप्लीट क्रॉस पोलिनेशन दैट इज ईच प्लांट इज आइदर मेल और फीमेल तो इसे हम ये कैसे होते हैं डाइसियस होते हैं तो यहां पे या तो एक प्लांट मेल ही होगा या फिर फीमेल ही प्लांट होगा तो यहां पे क्या देखने के लिए मिलता है कंप्लीट क्रॉस पॉलिनेशन देखने के लिए मिलता है दिस कंडीशन प्रिवेंट वोथ ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी तो यहाँ पे ना तो ऑटोगैमी होगी ना जिटोनोगैमी होगी तो यार जिटोनोगैमी मीन समझ रहे हो आप अभी अभी मैं बता भी रही हूँ और पीछे भी आप देख के आए हो यहाँ पे आप जिटोनो ही तो देखे थे जिटोनो में क्या होता है कि एक ही प्लांट का एक ही प्लांट का मेल फ्लावर भी होता है और फीमेल फ्लावर भी होता है तो यहाँ पे एक जो पपाया है पपाया में हमें क्या देखने के लिए मिलता है एक प्लांट पे या तो मेल होता है और दूसरे प्लांट पे फीमेल फ्लावर होता है तो यहाँ पे एक प्लांट पे मेल फ्लावर है और दूसरे पे फीमेल फ्लावर है तो क्या होता है यहाँ पे ना तो हमें जिटोनोगी देखने के लिए मिलेगी ना ऑटोगेहमी ऑटोगी तो मिलेगी ही नहीं देखने के लिए जब जिटोनो नहीं देखने के लिए मिल रही है तो ऑटोगेहमी कहाँ से देखने के लिए मिलेगी बातें समझ में आ रही हैं? ओके okay, आगे चलते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन अब हम क्या पढ़ते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन ओके नॉट द ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पॉलन मीन्स कंपेटिवल पॉलन अब यहाँ पे देखो सिर्फ इतनी सी बात कही जा रही है कि मतलब देखिए हम क्या पढ़े थे कि पॉलिनेशन पॉलिनेशन हो रहा है मीन्स पॉलन जो है वो कहाँ पे पहुंच रहा है स्टिग्मा तक पहुंच रहा है अब यार अगर स्टिग्मा तक पहुंच रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि फर्टिलाइजेशन होगा ही बातें समझ रहे हैं आप अब अगर पोलन स्टिग्मा तक पहुंच रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि फर्टिलाइजेशन होगा ही होगा और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है मीन्स पॉलिनेसन हुआ पोलन स्टिग्मा तक बाकायदा पहुँच चुका है लेकिन फिर भी अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है ना तो यहाँ पे ये बात आप समझिए कि इट मीन्स ये जो पॉलिन आ रहा है सही पॉलिन नहीं है जब हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे तभी मैंने आपको इससे रिलेटेड थोड़ी बहुत जानकारी दे रखी थी तो इट मीन्स ये पॉलन जो आ रहा है उसी स्पेसीज से नहीं है या फिर सेम फ्लावर से है या फिर सेम टाइप प्लांट से है तो अभी हम लास्ट वाले टॉपिक में यही सब कुछ बातें पढ़ के आ रहे हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज में हाँ तो देखिए पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पॉलन इट मीन्स कम्पेटिबल पॉलन ऑफ द सेम स्पीसीज एज द स्टिग्मा ओके बातें समझ में आ रहे हैं इट मीन्स ये जो पॉलन है कम्पेटिबल नहीं है या फिर सेम स्पीसीज से है जैसा कि मैंने अभी आपको बातें बताई ऑफन पॉलन द रोंग टाइप आइदर फ्रॉम द अदर स्पीसीज और फ्रॉम द सेम प्लांट्स तो मैंने आपसे वही बात बताई ना कि यहाँ पे ये यह जो स्टिग्मा है स्टिग्मा पे पॉलिन आ रहा है फिर भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है इट मीन्स ये जो पॉलिन आ रहा है या फिर वो किसी अदर स्पीसीज से है या फिर सेम प्लांट से है तो जब पॉलिन आता है ना स्टिग्मा पे तो स्टिग्मा सबसे पहले रिकॉग्नाइज करती है कि भाई ये जो पॉलिन आया है मेरे पास ये सही पॉलिन है या नहीं है इससे मतलब इस पॉलिन को आगे जाने की अनुमति देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए हाँ जी बिल्कुल ये जो स्टिग्मा है स्टिग्मा के पास ये अवेलिटी होती है ये स्टिग्मा स्टिग्मा के पास मतलब ये राइट uh, right होता है कि वो पोलन की जान पहचान करे वो चाहे तो पोलन को अंदर जाने दे या फिर पोलन को चाहे तो रोक ले यहाँ पे होता क्या एक्चुअली ये जो पोलन आता है यहाँ पे कुछ केमिकली तरीके से जान पहचान होती है कुछ केमिकली तरीके से डायलॉग डायलॉगबॉजी होती है कुछ केमिकली तरीके से रिकग्नाइज किया जाता है पोलन तब कहीं पर जाके इस पोलन को स्टिग्मा अंदर जाने की मतलब यहाँ पे जो ये स्टाइल है उसमें जाने की अनुमति देती है फिर उसके बाद तब कहीं जाके पोलन ओबरी तक पहुंचता है देन फर्टिलाइजेशन होता है बातें समझ रहे हैं आप ओके okay जी यहाँ पे देखिए इफ इट इज सेल्फ इनकम्पेटिबल आल्सो लैंड ऑन द स्टिग्मा देखिए यहाँ पे अगर इनकम्पेटिबल है पॉलन पॉलन अगर इनकम्पेटिबल है तो वो स्टिग्मा आगे नहीं जाने देगी पॉलन को और अगर पॉलन कंपेटिबल है तभी वो आगे जा पाएगा ओके द पिस्टिल हैज द एबिलिटी मैंने आपसे बात बताई ना कि ये जो पिस्टिल है पिस्टिल के पास ये एबिलिटी होती है कि वो पोलन को रिकॉग्नाइज करे पोलन को रिकॉग्नाइज करे और अगर वो पोलन कंपेटिबल है तभी वो स्टाइल तक आगे जाने देगी ओके वेदर इट इज ऑफ द राइट राइट टाइप टाइप देगीबल है मैंने आपसे बात बताई ना कि अगर पोलन कंपेटिबल है तब वो स्टाइल तक जाएगा इट मीन्स दिस इज अ राइट टाइप और राइट right टाइप में आपने क्या देखा राइट टाइप ऑफ द पोलन मीन्स कंपेटिबल जो होता है ऑफ़ Same सेम स्पीसी बातें समझ रहे हैं आप इट means ये compatible है ऑफ the wrong टाइप इट means ये इनकम्पेटिबल है कम्पैटिबल नहीं है तो उसे क्या कहा जाएगा वो पॉलन जो इनकम्पेटिबल है वो कैसा है रॉन्ग टाइप है इफ इट इज द राइट टाइप ऑफ पिस्टिल एक्सेप्ट द पॉलन एंड प्रोमोट्स पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स तो अगर अगर जो पॉलिंग आया है वो राइट right टाइप का है कम्पेटिबल है तो वो वो जो पॉलिंड है वो आगे प्रमोट किया जाएगा मतलब पॉलिनेशन के बाद के जो इवेंट्स हैं लाइक दैट फर्टिलाइजेशन उसके लिए वो पॉलिन आगे प्रमोट किया जाएगा ये जो डायग्राम है इसे अभी हम देखते हैं इफ द पॉलन इज ऑफ द रॉन्ग टाइप अगर पॉलिन रॉन्ग टाइप का है तो ऑब्वियसली पॉलिन रिजेक्ट कर दिया जाएगा पिस्टिल के द्वारा पिस्टिल रिजेक्ट द पोलन बाई प्रीवेंटिंग पॉलन जर्मिनेशन ऑन द स्टिगमा और द पोलन ट्यूब ग्रो इन द स्टाइल द एबिलिटी ऑफ द पिस्टल रिकोगनाइज द पॉलन फॉलोड बाई द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शंस तो ये तो मैंने आपको बात बताई है कि भाई जो ये पिस्टिल होती है जो स्टिग्मा होती है इसके पास एविलिटी होती है कि वो पोलन को रिकोगनाइज करे रिकोगनाइज करने के बाद अगर वो कंपेटिबल है राइट टाइप का पॉलन है तो वो उससे एक्सेप्ट करेगी Obviously, अगर compatible नहीं है incompatible है तो result कर देगी उसे समझ रहे हैं आप मैंने आपसे बात कही ना यहाँ पे ये यह जो मतलब कंटिन्यूस डायलॉग्स केमिकली तरीके से कुछ केमिकल सिक्रेट करते हैं तो उसके बाद ये जो मैंने आपसे बात बताई ना कि कुछ केमिकली तरीके से जान पहचान होती है केमिकली तरीके से कुछ रिकोगनाइज करती है पिस्टिल पिस्टल रिकॉग्नाइज करने के बाद ये देखती है कि पॉलिन जो है इनकम्पेटिबल है या फिर कम्पेटिबल है तो वो रिजल्टेंट क्या करती है अगर पॉलिन अगर कम्पेटिबल है तो एक्सेप्ट कर लिया जाता है अगर इनकम्पेटिबल है तो रिजेक्ट कर दिया जाता है दिस डायलॉग्स इज मीडिएट बाई केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ द पॉलिन इंटरक्टिंग विद दोज ऑफ द पिस्टिल तो ये बात ना हमें मतलब बहुत पहले से नहीं पता है ये बात तो अभी रिसेंटली हमें कुछ सालों पहले पता चली कुछ बॉटनिस्ट हैं जिन्होंने इट इज़ द ओनली इन रिसेंट ईयर्स ऑफ द बॉटनिस्ट हैव टू आइडेंटिफाई सम ऑफ द पॉलिन एंड पिस्टिल कंपोनेंट्स एंड द इंटरेक्टिंग लीडिंग टू द रिकनाइज फॉलोड बाई एक्सेप्टेंस और रिजेक्शंस तो ये बात हमें अभी रिसेंट कुछ ईयर पहले ही पता चले उसके पहले ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ पोलिन आता है फिर उसे पिस्टल रिकॉग्नाइज करती है देन उसे एक्सेप्ट किया जाता है या फिर रिजेक्ट किया जाता है तो कुछ बॉटनिस्ट अभी कुछ साल पहले ही इस बात का पता लगा ओके एज मैं अर्लियर फॉलोइंग कम्पेटिबल पॉलिनेशन द पोल ग्रेन जर्मिनेट्स ऑन द स्टिग्मा टू प्रोड्यूस ए पॉलिन ट्यूब थ्रू ऑन द जर्मपोर तो देखिए यहाँ पे जो पॉलिन ग्रेन होता है वो कंपेटिबल है तभी आगे पॉलन ट्यूब में स्टाइल में जाने दिया जाएगा अदरवाइज वो वहां आगे नहीं जा पाएगा क्यों मैं भी आपको डायग्राम में दिखाऊंगी क्या होगा कि जो पॉलन ट्यूब होती है वहां पे प्लग हो जाएगा वो पॉलन अंदर नहीं जा पाएगा बातें समझ में आ रही हैं द कंटेंट्स ऑफ द पॉलन ग्रेन मूव इन टू द पॉलन ट्यूब पॉलन ग्रेन कहाँ पे मतलब मूव किया जाता है पॉलन ट्यूब में एज सिंपल एज दैट पॉलन ट्यूब ग्रो थ्रू द ऑफ दूस स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रिचेज द ओवरी पॉलन ग्रेन कहाँ से कहां तक तो पहुंचता है फर्स्ट ऑफ ऑल स्टिग्मा स्टिग्मा से स्टाइल देन ओवरी तक आता है ये सारी बातें काफी ज्यादा सिम्पल है यूड रिकॉल दैट द सम प्लांट्स पॉलन ग्रेन आर सेट एट टू सेल कंडीशन मैंने आपको स्टार्टिंग में कुछ टू सेल कंडीशन दिखाई थी वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल है ना एक कौन सी होती है वेजिटेटिव सेल होती है एंड सेकेंड वन जनरेटिव सेल होती है इन सच प्लाट्स इन सच द जनरेटिव सेल प्लाट्स एंड फॉर्म ऑफ टू मेल गैमिट द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूबिन स्टिग्मा तो ये आप देख रहे ना जनरेटिव सेल जो है ये टू मेल गैमिट्स में कब डिवाइड होती है कब डिवाइड होती है द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूबिन स्टिग्मा इन प्लांट्स विच सेट पॉलन इन द थ्री सेल कंडीशन तो ये क्या होते हैं ये कप होते पोलन एट थ्री सेल कंडीशन और थ्री सेल कंडीशन कैसे आई ये जो जनरेटिव सेल है ये किस में डिवाइड हो जा रही है टू सेल में ट्यूब्स कैरी द टू मेल फ्रॉम द ट्यूबिंग तो ये जो पॉलन ट्यूब होता है यहाँ पे आप मतलब स्टिग्मा से जब ये चलता है तो ये स्टार्टिंग से कैसा होता है इसके पास कितने गैमिट होते, है? होते हैं टू मेल गैमिट होते हैं ध्यान रखिएगा पॉलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द द ओवरी इंटर्स ओव्यूल थ्रू द माइक्रो पायलर इंड इंटर फिलीफस का हाँ ध्यान ये सब माइक्रो पाइलर इंड माइक्रोपाइलर इंड पे होता है आपको वहीं पे तो फिलीफॉर्म अपैटस देखने के लिए मिले थे यहाँ पे आप देखे थे फिलीफॉर्म अपैटस जो की क्या करता है जो मेल गैमिट आता है जो मेल गैमिट आता है उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है many recent studies have shown that filiform apparatus present at the micropylar part of the synergid guides to the entry pollen tube synergid synergid guide to the entry of pollen tube all this और ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं माइक्रोपाइलर इन पे यहाँ पे होता क्या है माइक्रोपाइलर माइक्रोपाइलर इन पे कितने synergid आपने देखे थे दो और वहाँ पे क्या थे filiform apparatus filiform apparatus थे जो कि क्या करते हैं फिलीफॉर्म एपेटस जो पोलन पोलन ग्रेन आते हैं पोलन ट्यूब से उन्हें गाइड करता है ऑल दिस इवेंट्स फ्रॉम पोलन डिपोजिशन ऑन द स्टिग्मा अंटिल पोलन ट्यूब इंटर ओव्यूल आर टुगेदर रिफर्स टू द पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन तो यार बात ध्यान रखिएगा कि ऑल दिस इवेंट्स फ्रॉम पोलन डिपोजिशन जब पोलन सेड होता है ऑन द स्टिग्मा मीन्स जब पोलिन स्टिग्मा पे आता है अनटिल पोल ट्यूब इंटर द ओव्यूल्स जब तो, और फिर यहाँ पे स्टिग्मा से लेके ओव्यूल तक की बात अगर करूँ तो ये इसे हम किस नाम से जानते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के नाम से जानते हैं तो याद रखिएगा आप इसे इनकम्पैटिवल या फिर कंपेटिबल तक ही सीमित ना रखिएगा या फिर जो पोलन आता है वो इनकम्पैटिबल है या फिर कंपैटिबल है इसे ही आप पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन मत समझ लीजिएगा ओके okay? तो जो ये पोलन सेड होता है मीन पॉलन स्टिग्मा तक आया पॉलन अगर कम्पैटिबल है या इनकम्पेटिबल है अगर कम्पैटिबल है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ओवरी तक का जो पूरा फंक्शन होता है जो पूरा प्रोसेस होता है दैट इज नोन एज पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन तो इसे आप कम्पेटिबल या फिर इनकम्पेटिबल तक ही सीमित मत रखिएगा ओके एज पॉइंटेड आउट अर्लियर पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन इज डायनमिक प्रोसेस ओके एज पॉइंट आउट अर्लियर पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन इज डायनमिक प्रोसेस ध्यान रखिएगा पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन इज अ डायनमिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग पॉलन रिकोगनाइजेशन फॉलोड बाई प्रमोशन और इन विद पॉलन तो जिसमें क्या मतलब इन्वॉल्व है जिसमें कि पॉलन का प्रमोशन या फिर डिमोशन दैट नॉलेज गेन इन दिस एरिया वुड हेल्प द पॉलन ब्रीडर इन मैनुपलेटिंग पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन इवन इन इनकम्पेटिबल पॉलिनेशन टू गेट डिजायर हाइब्रिड तो यहाँ पे आप एक बात ध्यान रखिएगा कि मैनिपुलेटिंग पॉल एंड पिस्टिल इंटरक्शन तो वहां पे क्या होगा इवन इनकम्पेटिबल पॉलिनेशन हम क्या कर सकते हैं हाइब्रिड गेन कर सकते हैं यू कैन इजली स्टडी पॉलन जर्मिनेशन बाई डस्टिंग सम पॉलन फ्रॉम फ्लावर्स सचैचपी चिकपी क्रोटेलरिया बालसम एंडविनका ग्लासलाइड कंटेनिंग ए ड्रॉप ऑफ सुगर सोलूशन अबाउट टेन परसेंट आफ्टर अबाउट फिफ्टीन टू मिनट्स एब्जॉर्ब द स्लाइड अंडर द लो पावर लेंस ऑफ माइक्रोस्कोप तो यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि जो पॉलन ट्यूब होगी जो पॉलन ट्यूब होगी वो काफी ज़्यादा मतलब वेरी फास्ट जर्मिनेट होगी काफी जल्दी जर्मिनेट होगी कितने से कितने टाइम में पंद्रह से तीस मिनट में पॉलन ट्यूब जनरेट हो जाएगी ओके ब्रीडर इज इंटरेस्ट इन क्रॉसिंग डिफरेंट स्पेसिज एंड ऑफेंस जनरा टू से, अगर सेम स्पेसिज में सेम स्पेसीज में, में क्रॉस कर रहे हैं तो वही स्पेसीज आएगी वैसे ही कैरेक्टर आएंगे तो वो तो मतलब एक नेचुरल प्रोसेस है वो तो होगा ही होगा लेकिन जो ब्रीडर है मतलब वो किसमें इंटरेस्टेड होंगे वो किस में इंटरेस्टेड होंगे डिफरेंट डिफरेंट स्पेसीज में क्रॉस करवाने में क्यों क्योंकि वहाँ पे मतलब अच्छे अच्छे कैरेक्टर मतलब डिजायरेबल कैरेक्टर देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि कॉमर्शियली सुपीरियर होंगे जिसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा वैराइटीज़ देखने के लिए मिलेंगे जो काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल होंगे तो इससे हम क्या बोलेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे और यहाँ पे अगर बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी है इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोग्राम

ये जो स्टिग्मा इस है इसे कवर करना होगा जो सपोज कोई फ्लावर है सपोज़ कोई फ्लावर है जिसपे मेल एंड मीन्स जिसपे स्टिग्मा और पॉलिन दोनों हैं तो स्टिग्मा जो होगी उसे कवर करना होगा स्टिग्मा जो होगी उसे क्या होगा कवर करना होगा किसके लिए जो कंटामिनेंट होते हैं उनके लिए अनवांटेड पॉलिन ना आ जाए जिसे हम कंटामिनेंट ही बोल रहे हैं तो जिसे क्या करना होगा कवर करना होगा ओके okay? प्रोटेक्ट करना होगा और यहाँ पे जो पॉलिन uh, होंगे जो पॉलिन होंगे इनके ऊपर बैगिंग करनी होगी या फिर इमास्कुलेशन करना होगा मतलब हटाना होगा ऐसी कुछ सारी टेक्निक है दिस इज दिस इज अचीव बाय इमास्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक्स ओके इफ द फीमेल पेरेंट बियर्स बाई फ्लावर अगर जो फ्लावर है वो कैसा है बाइसेक्सुअल है जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया कि अगर जो फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल है मीन्स मेल एंड फीमेल बोथ आर रिमूवल ऑफ एंथर एंथर को क्या करना होगा रिमूव कर देना होगा जिसे हम क्या बोलेंगे इमास्कुलेशन e बोलेंगे एंथर्स फ्रॉम द फ्लावर बट बिफोर द एंथर डिहाइसेज यूजिंग द पेयर ऑफ फोरसेप्स इज नेसेसरी तो यहाँ पे करना हो, क्या होगा कि जैसा मैंने आपको भी बताया फ्लावर कैसा है भाई बाइसेक्सुअल है जिसमें पॉलन भी है स्टिग्मा है तो अब स्टिग्मा यहाँ पे हमें क्या चाहिए डिजायरेबल कैरेक्टर चाहिए नेक्स्ट जनरेशन में जो फ्लावर आए जो अगली अगली जनरेशन के लिए हमें डिजायरेबल कैरेक्टर चाहिए लेकिन क्या है इस पे पॉलन भी है तो क्या होगा एक टाइम बाद जब ये मेच्योर होगा तो सेड होगा तो ऑब्वियसली जब बगल में ही है तो स्टिग्मा पे जरूर सेड होगा तो इसके लिए क्या करना होगा इस पॉलन को देना होगा हटा हटा देना होगा तो इस पॉलन को हटा देना होगा और जिसके लिए या फिर इसे ये जो स्टिग्मा इस है इसे पैक करना होगा या फिर इमास्कुलेशन सॉरी हाँ इमास्कुलेशन कर देना होगा इमास्कुलेशन मीन्स ये जो यहाँ पे पॉलिन था इसे हटाना होगा कट करना होगा ओके दिस स्टेप इज रिफर्ड एज फ्लावर्स हैव बी कवर्ड फ्लावर्स अ बैग सुटेबल साइज जो कि उसी के साइज का हो और ऐसा क्यों करना होगा जनरली मेड अप ऑफ बटर पेपर जो कि मतलब ये जो पेपर आएगा उसे कवर करने के लिए इमास्कुलेटेड फ्लावर को वो किसका होगा बटर पेपर का होगा टू प्रिवेंट कंटामिनेंट यहाँ पे ये जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये ऐसा करना क्यों होगा जो कंटामिनेंट uh, होंगे उनसे सुरक्षा के लिए अनवॉन्टेड पॉलिन से सुरक्षा के लिए नहीं तो यहाँ पे स्टिग्मा है आप भले ही इसका पॉलन हटा दिए हो इसका पॉलिन भले ही हटा दिए लेकिन कंटामिनेंट तो अभी भी आ सकते हैं थ्रू द पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट बाय एयर जितने भी पॉलिनेशन होते हैं बायोटिक बायोटिक वो सब तो आप जान ही रहे हो तो जो कंटामिनेंट आएंगे वो तो इसे इसका अगर हो गया अगर कंपेटेबल रहा तो फर्टिलाइज कर जाएगा पॉलिन जो है ओबरी तक आ जाएगा तो इससे सबसे प्रिवेंट करने के लिए इससे सबसे प्रोटेक्शन के लिए इसे क्या करना होगा बटर पेपर के थ्रू इस पे क्या करनी होगी? बैगिंग करनी होगी, होगी, करना होगा, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया. फ्लावर आर री बैग एंड द फ्रूट्स अलाउड टू डेवलप ओके बातें समझ में आ रही है फिर उसके बाद मतलब बैगिंग वैगिंग कर दिए आप फिर उसके बाद आपको अपने इच्छा अनुसार डिजायरेबल पोलन ग्रेन लाना है कलेक्ट करके और स्टिग्मा पे सेट कर देना है ओके इफ द फीमेल पैर प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर दियर इज नो नीड फॉर ई मास्कुलेसन अगर जो फीमेल फ्लावर है बात समझ रहे हो आप अगर जो फीमेल फ्लावर है तो क्या वहां पर ई मास्कुलेशन की जरूरत पड़ेगी बिल्कुल नहीं पड़ेगी भाई बात समझ में आ रही है यहाँ पे जब बाई सेक्सुअल फ्लावर था तो वहां पर क्या था स्टिग्मा e भी प्रजेंट थी एंड पॉलन ग्रेन भी प्रजेंट था मीन्स एंड्रोसियम भी प्रेजेंट था तो अब यहाँ पे कोई एंड्रोसियम है ही नहीं कोई एंथर है ही नहीं ये कैसा है यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो अब क्या यहाँ पे कोई अगर फीमेल है यहाँ पे बोला भी तो जा रहा है यहाँ पे बोला क्या जा रहा है फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर ये पेरेंट जो है ये क्या है फीमेल है यूनिसेक्सुअल है ओके okay, तो क्या यहाँ पे कोई एंथर प्रेजेंट है नहीं जहाँ पे एंथर प्रेजेंट था वहीं पे तो इमास्कुलेशन की जरूरत पड़ रही थी वहीं पे कैची फोरसेप की जरूरत पड़ रही थी तो यहाँ पे इमास्कुलेशन की जरूरत है बिल्कुल नहीं है हाँ जी बिल्कुल द फीमेल फ्लावर बर्ड आर बैग बिफोर द फ्लावर ओपन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है जो ये फीमेल बर्ड है इसे फ्लावर के ओपन मतलब जब ये बर्ड हो ये फ्लावर जब ओपन हो उसके पहले ही इसे बैगिंग कर देना है अगर बैगिंग नहीं कर दिए तो क्या होगा कोई पॉलिन आएगा यहाँ पे सेड होगा पॉलिनेशन होगा पॉलिनेशन के थ्रू कोई पॉलिन आएगा और फिर आगे की अगर कंपेटिबल रहा पॉलिन तो आगे की प्रोसेस शुरू हो जाएगी फिर आप वेन द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव पॉलिनेशन इज कैरीड आउट यूजिंग द डिजायर पॉलिन एंड फ्लावर रीबैग हमें क्या करना है कि जब फ्लावर मेच्योर हो मीन स्टिग्मा स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाए तो हमें क्या करा देना है, है पॉलिनेशन अपनी अपनी फर्टिलाइजेशन हम क्या पढ़ते हैं डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ते हैं यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम दिखाऊं ये डायग्राम देखिए अगर मैं इस डायग्राम के बारे में आपसे बात करूं तो पॉलिन पिछली इंट्रेक्शन की तरफ आप थोड़ा सा जाइएगा वैसे अच्छा ही तो है आप मतलब आप सोच रहे हो कि मैंने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी पढ़ा दिया फिर उसके बाद अब आके फिर से पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन यार कोई बात नहीं आपकी सारी बातें रिकॉल हो जाएंगी क्यों चिंता करते हो ओके okay? तो देखो हो क्या रहा है सपोज जिस टाइम पे ये कंपेटिबल कंपेटिबल पॉलिन यहाँ पे आया तो ये जो पॉलिन ट्यूब थी स्टिग्मा इसे आगे जाने की इजाजत दे दी है तो उसी टाइम पे कोई और पॉलिन आ गया तो ये पॉलिन आगे तक देखिए पूरा नहीं जा पा रहा है यहाँ ओवरी तक पॉलिन नहीं आ रहा है यहाँ पे ये जो ट्यूब है ये क्या हो गई है प्लग्स हो गई है ओके और यहाँ पे आप क्या देख रहे हो पोलिन ट्यूब है एंटीपोडल है और यहाँ पे आप क्या देख रहे हो एक्स सेल है ओके एक्सेल है और फिर उसके बाद एंटीपोडल देख रहे हो आप पोलर न्यूक्लियाई देख रहे हो ये सारी बातें तो आपको समझ में आ ही रही होंगी अभी हम क्या देखे थे डबल फर्टिलाइजेशन

तो एक मेल गैमिट इसे फ्यूज करेगा एक मेल गैमिट इसे फ्यूज करेगा तो यहाँ पे ये यह, यहाँ पे क्या हो जाएगा थ्री एन हो जाएगा है ना ये कैसा हो जाएगा ट्रिपलाइड हो जाएगा तो इसे हम क्या बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन बोलेंगे इसे हम क्या बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन बोलेंगे और दूसरा क्या होगा एक मेल गैमिट यहां पे आएगा आप देख रहे हो दिस इज अ मेल गैमिट एक मेल गैमिट यहां पे जब फ्यूज करेगा तो यहां पे हो सॉरी एक और दूसरा मेल गैमेट दूसरा मेल गैमेट जो होगा यहाँ पे जाइगोड बनाएगा दूसरा मेल गैमेट जो जाइगोड बनाएगा वो कैसा होगा डिप्लाइड होगा तो इसे हम बोलेंगे सिन इसे हम क्या बोलेंगे सिन गैमी. तो देख रहे हो आप दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है एक मेल गैमेट यहाँ पे आ रहा है पोलर न्यूक्लियर को फर्टिलाइज कर रहा है और एक मेल गैमेट यहाँ तो डबल फर्टिलाइजेशन दिख रहा है जी बिल्कुल दिख रहा है ओके okay? अब हम यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं डबल फर्टिलाइजेशन ऑफ टू मेल गैमिट इंटू टू साइटोप्लाज्म ऑफ द सीनरजिट पॉलन ट्यूब रिलीज टू मेल गैमिट आपको पता है ना हाँ जी बिल्कुल तो एक मेल गैमिट क्या करेगा वन मेल गैमिट्स मूव टूअर्ड द सेल एक मेल गैमिट कहा जाएगा एग सेल के पास मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था एक मेल गैमिट कहाँ आया एग सेल के पास आया ओके एक मेल गैमिट सेल के पास फ्यूज न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हुआ जिसे हम क्या बोले सिंह एंड सेकेंड वन दिस रिजल्ट इज फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड सेल तो आप डायग्राम में देखे थे कैसा कैसी सेल बना रहा है डिप्लॉयड सेल बना रहा है ओके आगे चलते हैं और ये जो डिप्लॉइड सेल होगी जो आप डिप्लॉइड सेल देख रहे हो वो क्या थी यहाँ पे आप देख रहे हो दिस इज अ अट ये जो डिप्लॉयड सेल है वो क्या है जायोट है ओके और फिर उसके बाद द अदर मेल गैमिट और जो दूसरा वाला मेल गैमिट था टू मेल गैमिट था ना हाँ तो जो सेकेंड वाला मेल गैमिट था जो सेकेंड वन मेल गैमिट था वो कहाँ जाएगा मूव टूअर्ड द टू पोलर न्यूक्लियाई आपने डायग्राम में देखी थी बातें टू पोलर न्यूक्लियाई के पास जाएगा एक न्यूक्लियाई किसके पास है के पास है और टू पोलर न्यूक्लियाई तो ये खुद है तो जब फ्यूज करेगा जब फ्यूज करेगा तो क्या बनाएगा थ्री बनाएगा बनाएगा हाँ जी बिल्कुल थ्री बनाएगा, ओके लोकेटेड इन द सेंट्रल सेल जो टू पोलर न्यूक्लियाई थी वो तो सेंट्रल सेल पे थी ना हाँ जी बिल्कुल मतलब बातें याद रखिएगा यार मतलब भूलते मत जाइएगा ओके मेरा कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि भूलना नहीं क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही सारी बातें बताई थी कि भाई ये कड़ी है एक चेन है कहीं बीच से छूटा सारी चीजें छूट गई ओके तो मतलब अच्छे से विद कंसंट्रेशन बैठिएगा देखो यार मैं मतलब बीच बीच में आपको बोलती रहती हूँ कि भाई कंसंट्रेशन बना के रखो बीच बीच में अगर आप लेफ्ट राइट थोड़ा सा करने भी लगो तो मैं आपका कंसंट्रेशन खींच लेती हूँ इधर कि हाँ भाई पढ़ लो ओके तो आगे देखते हैं एंड फ्यूज किसके साथ फ्यूज हो रहा है एंड फ्यूज

डबल फर्टिलाइजेशन एक तो सिंगेमी हो गई और दूसरा क्या हो गया ट्रिपल फ्यूजन हो गया और ये फिनमिनल किस नाम तो से जाना जाता है डबल फर्टिलाइजेशन और बात करूँ तो ये मतलब काफी ज्यादा यूनिक लग रहा है किसमें फ्लावरिंग प्लांट्स से एनिवेंट यूनिक टू फ्लावरिंग प्लांट्स द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम्स द प्राइमरी इंडोस्पर्मिक सेल ध्यान से सुनिएगा बातें द सेंट्रल सेल

इंडस पंप कैसे यूज होता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मे भी आपको पता हो ओके okay? तो यार वैसे सारी बातें एकदम मतलब अच्छे से समझिएगा तो यार एक बार ये डायग्राम हम अच्छे तरीके से देख लेते हैं कि यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं ये जो सिनर्जिड है ये क्या हो जा रही है डीजेनरेट हो जा रही है सिनर्जिड क्या हो रही है डीजेनरेट हो जा रही है दो सिनर्जिड हो गई डी जनरेट और एक बची तो यहाँ इसका जो न्यूक्लियस है इसका जो न्यूक्लियस है इसके पास आएगा मेल गैमिट

और एक आ गया मेल गैमिट तो यहाँ पे क्या हो गया थ्री एन हो गया ये कैसा हो गया ट्रिप्लॉइड हो गया तो जिसे हम क्या बोले थे प्राइमरी इंडोस्पर्मिक सेल ये क्या था प्राइमरी इंडोस्पर्मिक सेल था ओके okay? और इसे हम क्या बोल रहे हैं ट्रिपल फ्यूजन बोल रहे हैं इसे हम क्या बोलेंगे ट्रिप्लॉइड प्राइमरी इंडोस्पर्मिक सेल अगर हम ट्रिप्लॉड प्राइमरी इंडोस्पर्मिक सेल बोले तो कुछ गलत बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं भाई क्योंकि ये जाइगोट कैसा है डिप्लॉइड है बात समझ में आ रही है आपको जायगोट कैसा है डिप्लॉइड है और ये जो प्राइमरी इंडोस्पर्मिक सेल है दिस इज अ बिकॉज ऑफ इट्स और यहाँ पे क्या हो रहा है डिजनरेटिंग एंटीपोडल सेल ओके फिर यहाँ पे आप क्या देख रहे हो ये जायोड जो है ये कैसे फॉर्म हो रहा है यहाँ पे आपको ग्लोबुलर इम्रियो देखने के लिए मिल रहा है और फिर उसके बाद हर्ट सेब और यहाँ पे आपको दो कॉटिलीड देखने के लिए मिल रहे हैं ये सारी बातें आपको होप है

कलेक्टिवली टर्म पोस्ट फर्टिलाइजेशन ये सारी बातें देखिए होता क्या है मेल गैमिट आया एक्सेल के पास किसमें फॉर्म हुआ जाइगोट में फॉर्म हुआ ओके और ये जाइगोट किस में कन्वर्ट हो जाएगा इम्ब्रियो में ओके और फिर उसके बाद जब यहाँ पे ट्रिपलाइड इंडोस्पम के पास आते हो ट्रिपलाइड इंडोस्पम के पास ये क्या बनाएगा इंडो बनाएगा ये क्या बनाएगा इंडो बनाएगा ओके यहाँ पे होता क्या है यहाँ पे क्या होता है एक डिप्लॉयड पोलर होगा डिप्लॉयड पोलर न्यूक्लियस होगा डिप्लॉयड जो कहाँ पे होगा सेंट्रल सेल में होगा आपको पता है है ना फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा एक मेल गैमिट आएगा मेल गैमिट आया एक यहाँ पे यहाँ पे क्या बनी ये ये क्या 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 बन बन गया गया है ना जो क्या करेगा करेगा बातें समझ में आ रही हैं आपको तो ये सारी बातें ये सारी बातें कहाँ की हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन की है? ये सारी बातें कहाँ की हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन की हैं मेचुरेशन ऑफ अब्यूल ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा सीड में and तो अभी हम देखते हैं इंडोस्पम। इंडोस्पम की मैं बात करूं आपसे ना यहाँ पे देख रहे हैं ये जो मतलब यहाँ पे इतना एंड ये इतना इम्ब्रियो एंड इंडोस्पम तो मैं आपको बात बताऊं कि इम्ब्रियो के पहले इंडोस्पम का फॉर्मेशन होगा ध्यान से सुनिएगा कि इम्ब्रियो से पहले इंडोस्पम का फॉर्मेशन होगा क्यों बिकॉज ऑफ ये जो इंडोस्पम है ना ये एज अ फूड मटेरियल होता है

प्राइमरी mm -hmm. हो आप और क्या बनाएगी ट्रिप्लाइड इंडोस्पम टीसू बनाएगी द सेल ऑफ दिस टीश आर फिल वियल किससे फिल होता है रिजर्व फूड मटेरियल से ये किससे रिजर्व हो, होता है फूड मटेरियल से और ये फूड फूड किसके लिए यूज होता है इम्ब्रियो के लिए इंब्रियो, इंब्रियो इसे ऐसा न्यूट्रिशन यूज करता है एंड आर यूज फॉर द न्यूट्रिशन ये किसके लिए एज नुट, अ न्यूट्रिशन यूज होता है द डेवलपिंग इम्ब्रियो बात समझ में आ रही है द सेल्स ऑफ द टीसू आर फिल्ड विद रिजर्व फूड मटेरियल एंड आर यूज फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ डेवलपिंग इम्रियो इन द इसीलिए इसीलिए इम्ब्रियो का डेवलपमेंट बाद में होता है इंडोस्पम इंडोस्पम क्या है ये कुछ नहीं ये जो इम्रियो है ना इम्ब्रियो के लिए न्यूट्रिशन है इम्ब्रियो के लिए क्या है न्यूट्रिशन है इन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंडोस्पम डेवलपमेंट द इंडोस्पम न्यूक्लियस अंडर सक्सेसिव न्यूक्लियर डिविजन टू गिव राइज द फ्री न्यूक्लियाई फ्री न्यूक्लियाई मीन समझ रहे हो आप फ्री न्यूक्लियाई अच्छा आगे देखिएगा भी दिस स्टेज ऑफ इंडोस्पम डेवलपमेंट इज कॉल फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पम मीन्स यहाँ पे जो पीछे पीछे आपने ओव्यूल में देखा था ना ओव्यूल में आपने क्या देखा था कि पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो जा रहा था है ना पहले आठ न्यूक्लियस बन गए थे तब सात सेल बनी थी है ना आठ न्यूक्लियस बन गए थे तब सात सेल बनी थी जिसे हम यही नाम तो दे रहे थे फ्री न्यूक्लियस तो यहाँ पे भी वही कंडीशन है दिस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज फ्री न्यूक्लियर तो यहां पे क्या हो रहा है इन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंडोस्पम डेवलपमेंट मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंडोस्पम डेवलपमेंट द प्राइमरी इंडोस्पमिक न्यूक्लियस अंडर गो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन यहाँ पे क्या हो रहा है न्यूक्लियर का डिवीजन हो रहा है न्यूक्लियस डिवीजन हो रहा है गिवराइज टू फ्री न्यूक्लियाई गिवराइज टू फ्री न्यूक्लियाई तो यहाँ पे बात समझ में आ रही है आपको केवल न्यूक्लियर डिवीजन की बात की गई है सेल डिवीजन की बात नहीं की गई है ओके सब्सिक्वेंटली सेल वॉल फॉर्मेशन अकर्स एंड द इंडोस्पम बिकम सेलुलर ओके तो क्या होगा जब ये मतलब सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा इंडोस्पम जो होगी कैसी हो जाएगी सेलुलर हो जाएगी द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियर फॉर्म बिफोर Varies greatly, तो ये काफी ज्यादा नंबर में होती है वहां पे तो आपने आठ तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है।, दा, दा जो मतलब नारियल पानी होता है कच्चे नारियल का जो पानी होता है जो कि हम पीते हैं जो तो जो उसका पानी होता है ना कच्चे नारियल का जो कच्चे नारियल का पानी होता है वो कुछ और नहीं है वो क्या है फ्री न्यूक्लियर इंडो है वो क्या होता है वो फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पम्प होता है तो मतलब ये जो टेंडर नारियल होता है कच्चा नारियल होता है तो उसका जो वाटर होता है उसे पीने के बाद लोग काफी ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं है ना तो ये है क्या यहाँ पे आपने शुरू में देखा था भाई ये क्या है ये इसमें क्या होता है रिजर्व फूड मटेरियल होता है मेड अप ऑफ थाउजेंड ऑफ न्यूक्लियाई ये किससे बना होता है जो वाटर होता है ये कुछ नहीं ये क्या है फ्री न्यूक्लियर इंडो है बातें समझ में आ रही हैं आपको तो यार सारी चीजें आपको एकदम से दिमाग में कंठस्थ होनी चाहिए ओके एंड द द सराउंडिंग इज तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि पहले भाई न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाता है अच्छे से उसके बाद उसके बाद जो है सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है सेल बाद में बनती है तो जो बगल बगल में वाइट पार्ट देखते हैं आप नारियल के टेंडर नारियल में जो आप बगल बगल का धीरे धीरे व्हाइट पार्ट देखने लगते हैं वो क्या हो जाता है सेलुलर इंडोस्पम होता है और जो वाटर होता है वो क्या होता है फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पम होता है एज सिंपल एज दैट इंडोस्पम में आइदर भी कंप्लीटली कंज्यूम्ड कभी कभी ऐसा होता है कि जो इंडो होता है इंडोस्पम होता है वो पूरी तरीके से कंज्यूम कर लिया जाता है बाय द डेवलपिंग इम्ब्रिय जो डेवलपिंग इम्ब्रियो होता है तो इंडोस्पम को पूरा कंज्यूम कर लेता है जो इसका इंडोस्पम क्या है इसका फूड मटेरियल ही तो है किसका इम्रियो का तो ये जो इम्रियो होता है कभी कभी क्या कर लेता है पूरा कंज्यूम कर लेता है लाइक दैट पी ग्राउंडनट बीन्स बिफोर सीड बिफोर सीड मैचुरेशन आर इट में परसिस्ट इन द मैच्योर सीड कभी कभी क्या होता है कि ये मतलब बच्चे रहने देते हैं

स्टार्टिंग से ही हम देखे थे न्यूसिलस वहीं पे बना था जायगोट जाइगोट भी वहीं पे बना है तो एज सिंपल एज दैट इम्ब्रियो भी वहीं बनेगा ये कॉमन सेंस की बात है ओके मोस्ट डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ इंडोस्पम इज फॉर्म तो होता क्या है कि जब इंडोस्पम पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तभी क्या होगा जायगोड डिवाइड होगा ओके बातें समझ में आ रही है जब इंडोस्पम्प पूरा खाने पीने का जो इसका मटेरियल है जो न्यूट्रिशन का पूरा मटेरियल है जब तैयार हो जाएगा तभी आगे काम होगा मतलब जायगोट तभी डिवाइड होगा दिस इज एन दिस इज एन एडाप्टेशन ऑफ प्रोवाइड एस्योर न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग इम्ब्रियो तो यहाँ पे ये बात तो पता ही है कि भाई यहाँ पे न्यूट्रिशन ये बात एस्योर कर ली जाती है कि ये जो डेवलपिंग इम्ब्रियो है उसके लिए न्यूट्रिशन है या नहीं

Pro and to the globular, heart and यार आपको डायग्राम याद होना चाहिए मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है कि सबसे पहले कैसा है फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखने के लिए मिला प्रो इम्रियो देर देन हर्ट सेव देर इम्ब्रियो है ना वहां पर आपने दो कॉन्टलिडेंस भी देखे थे है ना टिपिकल डाइको इम्रियो कंसिस्ट ऑफ द्रो इम्रियोनल एक्सिस एंड टू कॉटलीडन क्या देखने के लिए मिलाल ऑफ कॉटलीडन इपिकोटाइल लेवल ऑफ कॉटलीडन इज द इपी कोटाइल इपिकोटाइल इपिकोटाइल मीन सिंपली समझिए जो कॉटिलीडन का जो कॉटलीडन का अपर पार्ट होगा इज नोन एज इपी कोटाइल द पोर्सन ऑफ इम्ब्रियोनल एक्सिस एक्सिस की बात कर की जा रही भाई एक्सिस अबव द लेबल ऑफ कॉटिलेडंस कॉटिलेडंस का जो ऊपर वाला पार्ट है इज नोन एज एपिकोटाइल व्हिच टर्मिनेट विद द प्लिम्यूल 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 किसे टर्मिनेट कर देता है एपिकोटाइल को और प्लिम्यूल प्लिम्यूल आर स्टेम टिप जिसे हम क्या बोल रहे हैं स्टेम टिप द सिलिंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेबल ऑफ कॉटिलेडंस इज हाइपोकोटाइल तो यार यहाँ पे एक बात याद रखिएगा अपर पार्ट इज नोन एज इपिकोटाइल मीन्स एक्सिस पार्ट और जो बिलो लेबल है जो नीचे का पार्ट है इज नोन एज हाइपोकोटाइल और प्लीम्यूल प्लीम्यूल किस नाम से जाना जा रहा है जो कि इपिकोटाइल को टर्मिनेट कर देता है दैट टर्मिनेट एट द लोअर एंड ऑफ रेडिकल और रूट टिप हाइपोकोटाइल हाइपोकोटाइल जो कि कहाँ पे पहुँचता है रेडिकल रूट टिप पे द रूट द रूट इज कवर्ड बाय रूट कैप रूट कैप से कवर्ड होते हैं इसे हम क्या बोलते हैं स्क्यूटलम बोलते हैं दैट इज सिचुएटेड टूवर्ड वन साइडेड लेटरल ऑफ द इम्रियोनल एक्सिस जो की एक साइड में होता है और कहा पे होता है इम्ब्रियोनल एक्सिस पे

and the few leaf primordial enclosed in hollow foliar structure is called hypocotyl। यहाँ पे आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। ये क्या है? This is the dicot, this is the dicot। यहाँ पे आपको two cotyledons देखने के लिए मिल रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो इम्ब्रियोनल एक्सेस, इम्ब्रियोनल एक्सेस का जो यहाँ पे जो ये पार्ट आप देख रहे हो और जहाँ से cotyledons डिवाइड होती हैं, इसके ऊपर के पार्ट को क्या बोलते हैं एपिकोटाइल एंड उसके नीचे के पार्ट को हम क्या बोलते हैं हाइपोकोटाइल और यहाँ वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं प्लिम्यूल अभी आप यहाँ पे पीछे यही सारी बातें तो देख के आ रहे हो इपी कलर चेंज कर लू इपी हाइपोकोटाइल प्लीम्यूल रेडिकल एरिया जो कि किससे कवर होता है रूट कैप से आगे जाके यहाँ पे आपको दो कॉट देखने के लिए मिल रहे हैं That's why एंड यहाँ पे प्रीम्यूल आप देख रहे हो सूट एक्सिस ओके okay? और रेडिकल एरिया हाइपोकोटाइल का जो नीचे वाला एरिया होता है रेडिकल और वो किससे कवर होता है रूट कैप से एंड यहाँ पे आप देख रहे हो मोनोकॉटलीडेंस इम्रियो ऑफ ग्रासेस तो यहाँ पे ये दिखने में कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर जो होता है सील्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है स्ट्रक्चर कैसा होता है सील्ड लाइक -like होता है ओके okay? और हाँ दिस इज अ कोटाइल ये ऊपर का यहाँ पे जो पार्ट देख रहे हो आप इसके बाद से जो पार्ट है दिस इज अ कोटाइल और हाइपोकोटाइल आपको दिख रहा है नीचे का पार्ट हाइपोकोटाइल है ओके ये दिस इज अस्कोटुलट एपेक्स देखने के लिए मिल रहा है ऊपर आपको और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको रेडिकल एरिया देखने के लिए मिल रहा है जो कि क्या करेगा कबर बाई रूट कैप

हमें अच्छे से पता है कि फ्रूट के अंदर ही होते हैं चाहे जो फ्रूट आप खा लीजिए चाहे जहाँ पे जिस फ्रूट में आप देख लीजिए ऑलवेज सीड कहाँ पे होते हैं फ्रूट के अंदर ही होते हैं ए टिपिकल टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सीड कोट सीड कोट होता है जिसके ऊपर टू आउटर लेयर होती है ओके okay? जो कि हार्ड भी होती है द कॉटी ऑफ द इम्रियो आर सिंपल स्ट्रक्चर जनरली थिक एंड सोलेंट ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व इन एज लेग्यूम्स तो ये जैसा कि हमें पता है कि ये क्या होते हैं एज अ सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं और क्या होता है ये जो फूड रिजर्व मटेरियल होता है इसमें जैसे कि लेग्यूम्स वगैरह में होता है इसमें भी सेम वैसे ही फूड रिजर्व होता है मेच्योर सीड में भी नॉन एल्ब्यूमिनस एल्ब्यूमिनस तो यहाँ पे जरा समझिएगा ये समझने वाली बात है भाई कि ये जो नॉन एल्व्यूमिनस सीड होते हैं मैं आपसे अगर बात करूँ नॉन एल्व्यूमिनस सीड के बारे में तो सीड हैव नो रेसिड्यूअल इंडोस्पम तो सीड नो इंडोस्पम एट है कंज्यूम ड्यूरिंग इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट तो यहाँ पे क्या होता है कि जब इम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा होता है मैंने आपको पीछे भी दिखाया था इंडोस्पम क्या है इंडोस्पम यार कुछ नहीं है एज अ फूड यहाँ पे रिजर्व हो जाता है ना किसके लिए जो इम्रियो डेवलपमेंट हो रहा होता है इम्रियो को डेवलप करने में हेल्प करता है ये इसमें जो में एज अ फूड मटेरियल होता ही है तो क्या होता है कि जब डेवलप हो रहा होता है तो उस टाइम पे पूरा इंडोस्पम कंज्यूम कर लिया जाता है बाय द बाय द सीड लाइक दैट पी ग्राउंडनट और एल्बुमिनस जो सीड होते हैं उसमें कुछ इंडोस्पम रिटेन होता है कुछ इंडोस्पम बचा होता है पूरी तरीके से कंज्यूम नहीं किया जाता है एल्विम ने सीड रिटेन ए पार्ट ऑफ एंडोस्पम एज इट इज नॉट कम्प्लीटली यूज ड्यूरिंग डेवलपमेंट तो जब ये इम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा होता है तो उस टाइम पे पूरा कंज्यूम नहीं कर लिया जाता है क्या क्या पूरा कंज्यूम नहीं किया जाता है इंडो और उसका एग्जाम्पल आपके सामने व्हीट है मैजे है बाले है कैस्टर है सनफ्लावर है इसमें क्या होता है पूरा इम्ब्रियो के डेवलपमेंट टाइम पे इम्ब्रियो के डेवलपमेंट टाइम में इस ऐसे जो सीड होते हैं

एंड बीट रिमेन्स आल्सो परसिस्टेंट तो यहाँ पे क्या होता है कुछ सीड ऐसे होते हैं जिनके एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिए गए हैं कौन कौन से हैं ब्लैक पेपर है एंड बीट है, है तो यहाँ पे जरा ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे होता क्या है आपने न्यूसिलस देखा था हाँ जी बिल्कुल आप देखे थे तो जो न्यूसिलस होता है वो भी रिटेन होता है वो भी परसिस्टेंट होता है वो भी बचा होता है जिस रेसीडल परसिस्टेंट न्यूसिलस इज नोन एज पेरिस्पम पेरिस्पम के नाम से क्या क्या जाना जाता है आपके एग्जाम में पता है क्या पूछा जाएगा ये पेरिस्पम पूछा जाएगा तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए इसकी डिफिनीसन पता होनी चाहिए इसका एग्जाम्पल पता होना चाहिए एकदम बेल तरीके से तो यहाँ पे आपको तो पता ही है अब आपको पता चल गया अच्छे तरीके से कि पेरिस्पम होता क्या है तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि पम हम किसे कहते हैं जहाँ पे न्यूसिलस परसिस्टेंट हो जिन सीड्स में तो ऐसा एस, तो ऐसे जो होते हैं जो ऐसे सीड होते हैं ऐसे सीड जो होते हैं उनका एग्जाम्पल क्या है ब्लैक पेपर है बीट है आपके सामने लिखा गया इंटेगुमेंट्स ऑफ वॉल हार्डन एंड एंडफ प्रोटेक्टिव सीड कोट यहाँ पे क्या होता है इंटेगुमेंट होता है टेस्टा होता है आपने दो लेर सुनी थी ना यहाँ पे ऊपर जब हम बात कर रहे थे तो मैंने आपसे क्या कहा था कि टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सीड कोट और वो कितने टाइप टाइप की की होती है टू तो एक तो ये रही इंटेगुमेंट एंड दूसरी टेस्टा इंटेगुमेंट ऑफ ओव्यूल हार्ड एंड एस टफ तो प्रोटेक्टिव सीड कोट इंटेगुमेंट आपको याद आ रहा है हाँ जी बिल्कुल याद आना चाहिए न्यूसिलस के ऊपर दो आउटर कवरिंग होती है जो किसकी होती है एक इनर कवरिंग होती है इनर इंटेगूमेंट के नाम से जानते हैं एंड सेकेंड वन आउटर इंटेगुमेंट के नाम से जानते हैं और वहाँ पे एक छोटा सा पोर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं माइक्रो पाइलर पोर बोलते हैं तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये जो आ, मतलब इंटेगुमेंट की जो वॉल होती है ना ये सीड तक हमें देखने के लिए मिलती है और यही जो इंटेगुमेंट होता है यही सीड में आउटर कवरिंग बन जाती है आउटर लेयर बन जाती है तो यहाँ पे आपने पहले क्या देखा था यहाँ पे एक पोर था जहाँ पे न्यूसिलस के ऊपर न्यूसिलस के ऊपर इंटेगोमेंट आउटर इंटेगुमेंट एंड इनर इंटेगोमेंट नहीं प्रेजेंट था तो उसे हम क्या बोल रहे थे माइक्रो पाइलर पोल बोल रहे थे है ना माइक्रो सॉरी माइक्रो पायलर पोर बोल रहे थे है ना यही तो बोल रहे थे हाँ जी बिल्कुल आपको याद होना चाहिए सारी बातें याद होनी चाहिए हैं तो आगे हम क्या देखते हैं इंटेगुमेंट ऑफ ओव्यूल हार्ड एंड एस टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट तो यहाँ पे ये इंटेगुमेंट सीड का कोट बन जा रहा है सीड की आउट प्रोटेक्टिव कवरिंग बन जा रही है तो यहाँ पे भी हमें माइक्रो पायलर द माइक्रो पाइलर रिमेन एज स्मॉल पोर इन द सीड कोट तो वही माइक्रो पायलर वही माइक्रो पायलर पोर हमें यहाँ भी देखने के लिए मिल रहा है जो कि सीड में भी है यहाँ पे भी एक स्मॉल पोर है तो ये पोर देखते हैं आगे काम क्या है इस पोर का ये जो पोर है दिस फैसिलिटेड इंट्री ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन की एंट्री वाटर की एंट्री अब ये ऑक्सीजन और वाटर की एंट्री की जरूरत कब पड़ती है जब सीड सीड जर्मिनेट होने लगता है सीड जब जर्मिनेट होता है तब यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन एंड वाटर की जो जरूरत होती है इसी पोर के थ्रू अंदर जाती है तो सीड कैसा होता है जर्मिनेट हो जाता है एज अ सीड मेच्योर इट water कंटेंट रिड्यूस एंड सीड बिकम रिलेटिवली ड्राई ओके ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे जब सीड मैच्योर हो जाता है यार बातें ध्यान से सुनिएगा जब सीड मैच्योर होता है तो क्या होता है कि जो सीड का पूरा मास है सीड का पूरा मास है उसका सिर्फ 10 से 15 परसेंट ध्यान दीजिएगा 10 से 15 परसेंट सिर्फ इसमें मॉइस्चर बचता है दस से पंद्रह परसेंट मॉइस्चर बचता है और ये मॉइस्चर होना भी जरूरी है कहीं ना कहीं ये मॉइस्चर होना भी जरूरी है सीड में तो देखिए यहाँ पे होता क्या है कि जब सीड मेचोर होता है तभी यह डिहाइड्रेट होता है और जब डिहाइड्रेट होता है तो इसकी जो जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो सारी इम्रियो की बात कर रही हूँ एक्टिविटी ऑफ द इम्ब्रियो जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ इम्ब्रियो ये सब क्या हो जाती है स्लो डाउन हो जाती हैं ओके okay, बातें समझ रहे हैं ये जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है जब सीड मेच्योर होता है तो ये डिहाइड्रेट हो जाता है और डिहाइड्रेट होने के कारण क्या होता है जब डिहाइड्रेट हो जाता है इसमें इसका मॉइस्चर कम हो जाता है मॉइस्चर ऑलमोस्ट 10 से 15 परसेंट बचता है तब क्या होता है कि इसकी जो जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी है सीड्स की ये क्या होती हैं स्लो डाउन चली जाती हैं कम हो जाती हैं एकदम डाउन हो जाती हैं तब हम क्या कर सकते हैं इस सीड को सीड को स्टोर करके रख सकते हैं इस सीड को हम स्टोर करके रख सकते हैं द एम्ब्रियो में इंटर ए स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी और जो ये मतलब ये पूरा टाइम होता है जब मतलब 10 से 15 परसेंट मॉइस्चर हो जाता है एम्ब्रियो की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है ये सब डो न, स्लो हो जाती है तब क्या होता है उस फेज को उस फेज को हम क्या बोलते हैं द एम्ब्रियो में इंटर स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी इमरियो किस स्टेट में चला जाता है इनएक्टिविटी वाली स्टेट में चला जाता है क्यों क्योंकि इम्रियो की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो स्लो डाउन हो चुकी है और यहाँ पे मॉइस्चर भी 10 से 15 परसेंट बचा है देखो यार बातें ध्यान से सुनिएगा सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए तो क्या होता है अब यहाँ पे इमरियो कहीं ना कहीं इनएक्टिव हो चुका है और याद रखिएगा इमरियो जो इनएक्टिव हुआ है ओनली फॉर सम टाइम इम्रियो कुछ टाइम के लिए इनएक्टिव हो चुका है कुछ टाइम के लिए क्या इस इमरियो को मतलब ये जो सीड है सीड को फिर से जब मॉइस्चर मिल जाएगा सही ऑक्सीजन मिल जाएगी सुटेबल टेम्परेचर मिल जाएगा ये फिर से एक्टिव हो जाएगा ये फिर से एक्टिव हो जाएगा लेकिन ये जो इसकी इनएक्टिव वाली फेज है उसे हम क्या बोलते हैं डॉर्मेंसी बोलते हैं इनएक्टिव वाली फेज को हम क्या बोलते हैं डॉर्मेंसी बोलते हैं तो यार इसे याद रखिएगा कि हम डॉर्मेंसी किसे बोलते हैं ये कब होती है तो याद रखिएगा डॉर्मेंसी कब होती है जब ये सीड सीड जब होता है दस से पंद्रह परसेंट मॉइस्टर रहता है और क्या होता है इम्रियो की मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है तो इम्रियो इम्रियो क्या करता है इनएक्टिव फेज में चला जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं डोरमेंसी तो होप है ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी और इफ फेवरेबल कंडीशन जैसा कि मैंने आपको बताया जब ये फेवरेबल कंडीशन में आता है जब इसे सब कुछ सही मिलता है मॉइस्चर मिलता है ऑक्सीजन सही मिलता है सुटेबल टेम्परेचर मिलता है तो ये फिर से जर्मिनेट होता है सीड एज ओव्यूल्स मेच्योर इंटू सीड ओवल्स किसमें मेच्योर होता है ये बात हमें पता है सीड में है ना और क्या होता है जो ओवरी है वो किस में फॉर्म होती है फ्रूट में फॉर्म होती है ये सारी बातें हमें बहुत अच्छे से पता है दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ओव इंटू सीड एंड ओवरी इंटू फ्रूट प्रोसिड से तो ये दोनों बातें जो आप देख रहे हो सीड ओव्यूल से सीड कन्वर्ट हो रहा है और ओवरी किस में फॉर्म हो जा रही है फ्रूट में तो ये सारी प्रोसेस कंटिन्यूसली साथ साथ होती रहती है तो बातें ध्यान दीजिएगा द वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप इंटू द वॉल ऑफ फ्रूट जिसे हम क्या बोलते हैं पेरी कार्ड बोलते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं जो ये ओवरी की वॉल है ध्यान दीजिएगा जो ये ओवरी की वॉल है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट की वॉल में कन्वर्ट हो जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं पेरी बोलते हैं द फ्रूट में भी फ्लैसी हाँ जी बिल्कुल फ्रूट जो है वो फ्लैसी भी हो सकता है लाइक दैट मैंगो है गोवा है ऑरेंज है और कैसा हो सकता है ड्राई भी हो सकता है फ्रूट एक तो फ्लैसी हो सकता है फ्लैसी में आप इमेजिन कर सकते हैं जैसे कि मैंगो है मैंगो तो आप यहाँ पे मतलब जितने हैं ये मतलब काफ़ी ज़्यादा चिर परिचित हैं इन सारे फ्रूट्स से तो ये कैसे हो सकते हैं फ्लैसी भी हो सकते हैं जो फ्रूट होते हैं और कैसे हो सकते हैं ड्राई भी हो सकते हैं ड्राई एज इन ग्राउंड नट मस्टर्ड मेनी फ्रूट हैव इवॉल्व मैकेनिज्म फॉर डिस्पर्सल ऑफ सीड और ऐसे भी फ्रूट होते हैं ऐसे भी फ्रूट होते हैं जिनमें डिस्पर्सल का डिस्पर्सल की वजह से ये मतलब काफी जगह पे फैल जाते हैं और नया प्लांट ग्रो हो जाता है डिस्पर्सल के कारण फैल जाते हैं रिकॉल द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट एंड द डिस्सल मैकेज यू दैट यू हैव स्टडी इन अर्लियर क्लासेस लाइक दैट कुछ में पैरासाइट होते हैं और कुछ कुछ सीड ऐसे होते हैं जो एनिमल के थ्रू एनिमल के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह पहुँचाए जाते हैं लाइक like दैट गिलहरी वगैरह हो गई क्या होता है कई सारे ऐसे प्लांट हैं कई सारी ऐसी स्पीसीज हैं कि जब क्या होता है फ्रूट डेवलप होता है मोस्टली ऐसा होता है यूजली ऐसा ही होता है कि जो ये फ्रूट डेवलप होते हैं फ्रूट तो ओवरी से ही डेवलप होते हैं ये बात तो आपको पता है कि ओवरी तो कन्वर्ट हो गई फ्रूट में और फिर आगे जो है ये जो ओव्यूल्स हैं वो भी सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं वो बात अलग है लेकिन जो अदर फ्लोरल पार्ट है जो कि आप स्टार्टिंग में पढ़ के आए हो भाई कैलिक्स कोरोला एंड्रोसियम एंड ये सब तो ये सब क्या हो जाते हैं फॉल ऑफ हो जाते हैं डिजनरेट हो जाते हैं और वहीं पे क्या होता है कि कुछ स्पीसीज ऐसी भी हैं हमें ये पता है बातें ध्यान से सुनिएगा हम शुरू से क्या पढ़ते आ रहे हैं कि ओवरी किस में कन्वर्ट होती है फ्रूट में हाँ जी बिल्कुल तो क्या होता है कि कुछ ऐसे प्लांट हैं कुछ ऐसे फ्रूट हैं जिनमें क्या होता है कि ओवरी के अलावा भी ओबरी के अलावा भी कुछ पार्ट ऐसे हैं जो कि फ्रूट को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं फ्रूट का फॉर्मेशन करते हैं ओबरी के अलावा भी कुछ ऐसे पार्ट हैं, लाइक दैट थैलमस 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 जो है फ्रूट का फॉर्मेशन करता है ओबरी के साथ साथ ये भी यूज होता है हावी इन अ फ्यू एज एप्पल स्ट्रॉबेरी कैस्यू ढेर सारे ऐसे फ्रूट हैं जिनमें ओवरी के अलावा थैलमस भी पार्टिसिपेट करता है थैलमस आल्सो कंट्रीब्यूट टू फ्रूट फॉर्मेशन फ्रूट के फॉर्मेशन में थैलमस भी पार्टिसिपेट करता है सच फ्रूट आर कॉल्ड फॉल्स फ्रूट ऐसे फ्रूट को हम क्या बोलते हैं फॉल्स फ्रूट बोलते हैं हाँ तो यार ऐसी बातें आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी आपसे पूछा जाएगा आपको ऐसे चार पाँच चार एग्जाम्पल दिए जाएंगे पाँच एग्जाम्पल दिए नहीं जाते हैं ऐसे आपको चार एग्जाम्पल दिए जाएंगे जिसमें ऐसे ढेर सारे फ्रूट दिए होंगे आपको बनाना ऑरेंज और वहीं पे आपको दिया जाएगा एप्पल या फिर कुछ ऐसे फ्रूट दिए जाएंगे जैसे कि स्ट्रॉबेरी हो गई जैक फ्रूट हो गया तो मतलब कुछ ऐसे फ्रूट आपको दिए जाएंगे जो कि मतलब जहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएं थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा आप कंफ्यूज होंगे तैयार इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप ये पढ़ के जाइएगा कि वैसे तो मोस्ट ऑफ आपको यही एग्जाम्पल दिया जाएगा बिकॉज ऑफ ये एप्पल जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है तो ये एप्पल जरूर रहेगा कि अब बताइए इसमें से फाल फ्रूट कौन सा है या फिर आपको अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि बताओ भाई इसमें ट्रू फ्रूट क्या है ट्रू फ्रूट अब आपके पास एग्जांपल दिया जाएगा कैसे दिया जाएगा स्ट्रॉबेरी दिया जाएगा एप्पल दिया जाएगा बनाना दिया जाएगा अब आपके पास यहाँ पे इतने एग्जाम्पल दिए गए हैं अब आपसे पूछा जा रहा है बताओ भाई इसमें ट्रू फ्रूट क्या है तो आप इतने टाइम तक लंबे टाइम तक पहली बार तो सोचोगे फिर होगा आप कैसू पे लगा के या फिर स्ट्रॉबेरी पे लगा के चले आओगे लेकिन होगा क्या वहाँ पे आपका ट्रू फ्रूट क्या होगा बनाना होगा ऐसे मतलब ढेर सारे एग्जाम्पल दिए जाएंगे अब एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है तो वहाँ पे आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ये जो कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जो कि ओबरी के अलावा भी कुछ पार्ट पार्टिसिपेट करते हैं उसमें फ्रूट को बनाने में लाइक दैट थे मोस्ट फ्रूट हाउ बट डेवलप ओनली फ्राम द ओवरी जो कि ओवरी से डेवलप होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं ट्रू फ्रूट बोलते हैं मोस्ट ऑफ स्पीसीज फ्रूट आर द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन हाँ जी बिल्कुल 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 ये बात हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि अब फ्रूट है तो फ्रूट का मतलब क्या है फ्रूट का मतलब क्या है कि इसमें हो ना हो फर्टिलाइजेशन जरूर हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जरूर हुआ है लेकिन अगर वहीं पर कुछ स्पीसीज की हम बात करें कुछ स्पीसीज की बात करें तो वो विदाउट फर्टिलाइजेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का डेवलपमेंट करती हैं बातें ध्यान से सुनिएगा विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूड का डेवलपमेंट होता है आपको एग्जाम्पल अगर दूं तो बनाना ओके okay? आपको एग्जाम्पल मैंने क्या दिया है बनाना तो ऐसे फ्रूट को हम क्या बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं ऐसे फ्रूट को हम क्या बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं बनाना इज वन सच एग्जाम्पल ऑफ पार्थेनोकार्पिक पार्थेनोकार्पिक कैन इंक्लूड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन एंड सच फ्रूट ऑफ आर सीडलेस तो ये जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है ये यहाँ पे आप देख रहे हो ये क्या हो सकता है एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ हार्मोन की वजह से ये कैसा हो सकता है बड़ा हो ये मतलब जो बनाना आपको देखने के लिए मिल रहा है ये मतलब मेच्योर हो सकता है और पक सकता है कि हाँ मतलब भाई आपके खाने के लिए तैयार है ये फ्रूट और वहीं पे अगर मैं बात करूँ आप रियल बनाना खा लो ना उसमें ब्लैक कलर के सीड आपको देखने के लिए मिलेंगे इसमें आपको ब्लैक कलर के सीड देखने के लिए मिलेंगे और ऐसे जो बनाना आपको मोस्टली खाने के लिए मिलता है उसमें आपको सीड नहीं मिलेंगे तो मीन्स ये फ्रूट क्या है ये मतलब विदाउट uh, फर्टिलाइजेशन ये फ्रूट बना है और इसे हम क्या बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं सीड ऑफर सेवरल एडवांटेजेस ऑफ एनजियो स्पम जिसमें फर्स्टली अगर बात करें सिंस रिप्रोडक्टिव प्रोसेस सच एज एंड फर्टिलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल तो यार ये जो पॉलिनेशन है एंड फर्टिलाइजेशन है मे बी ये क्या हो वाटर से इंडिपेंडेंट हो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं रिप्रोडक्टिव है? के टाइम रिप्रोडक्शन के टाइम पे ये जो है पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन ये वाटर से इंडिपेंडेंट हो सकता है लेकिन अगर सीड का फॉर्मेशन हो रहा है, है, है तो दिस इज अ मोर डिपेंडेबल ऑफ वाटर आल्सो सीड हैव बेटर एडाप्टिव स्ट्रेटजी फॉर डिस्पर्सल टू न्यू हैबिट एंड हेल्प टू स्पेसीज टू कॉलोनीज इन अदर एरिया तो देखिए ये जो वाटर वगैरह होते हैं इसके थ्रू ये जो है सीड जो होते हैं ये डिस्पर्स हो जाते हैं तो ये बात सिर्फ इतनी हो रही है डिस्पर्सन के अलावा डिस्पर्स की तो या फिर हम खुद हम खुद एक सीड को कहीं और जाके लगा दें तो वहां पे नई हैबिटेट के फ्लावर या फिर प्लांट जो भी प्लांट होगा वो हमें देखने के लिए मिल जाएंगे नई कॉलोनी तैयार कर सकते हैं और एरियाज में अगर हम डिस्पर्सल की बात करने लग जाएं, डिस्पर्सल यूज करने लग जाएं, एज दे हैव सफिसियंट फूड रिजर्व सीडिंग आर सीडिंगटिल दे आर कैपेबल टू फोटोसेंथेसिस ऑन दियर ऑन ये बात भी सही है जब तक ये न, प्लांट जो है जब तक खुद फोटोसिंथेसिस करने लायक नहीं होते तब तक इनमें इतना सफिसियंट इतना रिजर्व फूड होता है इतना मतलब ये सेल्फ सफिसियंट होते हैं नॉरिसमेंट के लिए ओके द हार्ड सीड कोड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इमरियो वो तो हम पढ़ ही चुके हैं इसमें क्या होता है प्रोटेक्टिव कोट होता है बींग प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे जनरेट न्यू न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन और वहीं पे अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हो रहा है तो वहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगी ऑब्वियसली यार वेरिएशन देखने के लिए मिलेगी वेरिएशन ऑलवेज देखने के लिए मिलेगी अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो सीड इज़ द बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर हाँ जी बिल्कुल बिना सीड के क्या हम एग्रीकल्चर को एग्रीकल्चर के बारे में सोच सकते हैं कभी नहीं कभी नहीं डिहाइड्रेशन एंड डॉर्मेंसी ऑफ द मेच्योर सीड आर Crucial for storage of seed which can be used as food throughout the year and also rest crop in the next season हाँ जी बिल्कुल हम मतलब देखिए यहाँ पर कितनी एडवांटेज है कितना ज़्यादा वो है कि हाँ सीड जो है जब मतलब मेच्योर हुआ डिहाइड्रेड हुआ जब डॉर्मेंसी कंडीशन में चला गया डॉर्मेंसी पता तो है ना आपको हाँ जी बिल्कुल पता होनी चाहिए हम पीछे बात करके आ रहे हैं तो वहां पे हम इसे स्टोर कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर क्रॉप में यूज कर सकते हैं या फिर हम उसे रख के खा भी सकते हैं पूरे ईयर कैन यू इमेजिन एग्रीकल्चर इन द देंस ऑफ सीड मैंने आपको बताया ना कि भाई सीड जो है वो एग्रीकल्चर का क्या है बेस है एग्रीकल्चर का बेस है उसके बिना हम क्या इमेजिन कर सकते हैं कभी नहीं और इन द प्रेजेंस ऑफ सीड विच जर्मिनेट स्ट्रेट अवे ऑन सून आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कैन नॉट बी स्टोर्ड अच्छा यहाँ पे आप एक बात जरा सोचिए क्या अगर जब ये जो सीड हैं डिहाइड्रेट हो जा रहे हैं अगर ये डिहाइड्रेट ना होते तो क्या हम इन्हें स्टोर कर सकते बातें ध्यान से सुनिएगा जब अगर ये जो सीड हैं अगर ये डिहाइड्रेट ना होते तो क्या हम इन्हें स्टोर कर सकते थे या फिर नेक्स्ट ईयर क्रॉप में यूज कर सकते थे आपका आंसर क्या है हाँ जी बिल्कुल हम ऐसा नहीं कर सकते थे क्यों वो इसलिए कि अगर ये इसमें डिहाइड्रेशन ना होता अगर इसमें मॉइस्चर बराबर होता तो ये क्या करता सीर जो है कंटिन्यू मेटाबॉलिक एक्टिविटी जारी होती और इम्रियो जो है कभी भी वो मतलब इनएक्टिव स्टेट में ना जाता अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब जारी रहती तो ये बहुत कम टाइम चलता और अगर जब इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं हो रही है तो हम इसे स्टोर करके रख सकते हैं हाउ लॉन्ग डू द सीड रिमेन अलाइव आफ्टर दे आर डिस्पर्ट तो हाँ जी बिल्कुल जैसे आपने पोलन ग्रेन में देखा था पोलन ग्रेन में देखे थे कि इनका एक बाइबल मतलब तो एक उनकी एक वाइबलिटी का एक पीरियड होता था एक टाइम पीरियड होता था कि अगर जो सीड जो पोलन ग्रेन है पोलन ग्रेन रिलीज, रिलीज होने के बाद एक टाइम होता है एक वाई, एक वाइबलिटी होती है कि भाई इतने टाइम तक इसे स्टिगमा तक पहुंच जाना है अदरवाइज जो पॉलन है वो अपनी वाइबलिटी खो देगा तो फिर उसे स्टिग्मा तक पहुंचने का या फिर फर्टिलाइज करने का कोई मतलब नहीं है तो सेम वैसे ही यहाँ पे जो सीड होते हैं उन उनकी भी एक लिवलाइन होती है और यहाँ पे अगर बात की जाए दिस इज पीरियड अगेन वेरीज ग्रेटली यहाँ पे भी जैसे हम वहाँ पे देखे थे पोलिनग्रेन में वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा वैरायटी देखने के लिए मिल मिल रही थी बहुत ज़्यादा लॉट ऑफ वैरायटी देखने के लिए मिल रही थी सेम वैसे ही यहाँ पे भी है हर स्पीसीज में हर अलग अलग तरीके का टाइम है अलग अलग वाइबिलिटी है इन फ्यू स्पेसीज द सीड लॉस वाइबिलिटी विद इन द फ्यू मंथ ओके सीड्स ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्पेसीज लिव फॉर सेवरल ईयर तो देख रहे हैं आप यहाँ पे कुछ पूरे साल के लिए हैं और कुछ में कुछ मंथ की है कुछ महीने की है सम सीड्स कैन रिमेन अलाइव फॉर हंड्रेड ऑफ ईयर कुछ हैं जो दस साल रहते हैं कुछ हैं जो दो, दो साल तो कुछ हैं जो दस हजार साल जिनमें जिनके सीड में वाइवल टाइम होता है आगे देखते हैं हमारे पास कुछ ऐसे रिकॉर्ड भी हैं सीड के वाइवल के लिए कि हाँ भाई ये इनमें अभी अवेलेबिलिटी है यहाँ पे आप देख रहे हैं द ओल्डेस्ट इज द ल्यूपिन ल्यूपिनस ऑफ ए ल्यूपिन जो कि ल्यूपिनस आर्किटिक एक्सक्टेड फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा टुंड्रा The seed and after record, सीट जर्मिनेट एंड फ्लावर्ड आफ्टर एस्टिमेटेड रिकॉर्ड दस हजार साल डोरमेंसी सीड कितने टाइम था टेन थाउजेंड ईर टेन थाउजेंड ईयर ये एक नंबर है मतलब काफी ज्यादा बड़ा नंबर है कि सोचिए सीड इतने टाइम तक मतलब डॉरमेंट कंडीशन में रहा फिर उसके बाद जब ये सीड जर्मिनेट किया गया तो जर्मिनेट भी हो गया अमेजिंग ना रिसेंट रिकॉर्ड अगर रिसेंट रिकॉर्ड पे चले तो दो, दो हजार ईयर साल पहले का मतलब दो हजार साल पहले का एक सीड है डेट पाम जिसे दो हजार साल बाद जर्मिनेट किया गया वो जर्मिनेट हो गया ओके okay. आगे चलते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ बातें नहीं दी गई हैं एपोमेक्सिस एंड पॉलिम्ब्रियोनिक अभी हम क्या पढ़ते हैं एपोमेक्सिस एंड पोलियम्ब्रियोनिक तो यार यहाँ पे ये जो टॉपिक है ये जो बातें हैं ये भी काफी ज़्यादा अच्छी हैं और इम्पोर्टेंट हैं सो तो पढ़िएगा ओके तो देखिए एपोमिक्सिस अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लें एपोमिक्सिस तो देखिए यहाँ पे जो ये एपोमिक्सिस है इसका मतलब है सीड का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन एपोमिक्सिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन ध्यान रखिएगा और यहाँ पे ये जो पॉलिम है ये तो मतलब खुद ही इसका नाम देखो यार जैसा कि मैं आपसे हमेशा बोलती हूं कि कहीं पे कुछ नहीं होता है बस ये देखा जाता है कि आप उसे देख किस तरीके से रहे हो तो यहाँ पे आपको दो चीजें देखने के लिए मिल रही होंगी एक तो पॉली एंड सेकेंड वन इम्ब्रियोनी तो यहाँ पे आपको कुछ समझ में आ रहा है पॉली पॉलीमीन्स मोर और मतलब पॉली पॉलीमींस एक से ज्यादा और इम्रियो मीन्स तो आपको समझ में ही आ रहा होगा तो मोर देन वन इम्ब्रियो सिंपल सी बात है हमें इन दोनों के बारे में पढ़ना है एपोमिक्सिस एंड पॉलिम्रियोनी एपोमिक्सिस सीड का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन हम पीछे देखे थे कि जब एक किसी ऑर्गेनिज्म पूरे पूरे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा था विदाउट फर्टिलाइजेशन उसे हम क्या बोल रहे थे पार्थेनोजेनेसिस बोले थे है ना उसे हम क्या बोले थे पार्थेनोजेनेसिस बोले थे एंड यहाँ पे जब फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा था विदाउट फर्टिलाइजेशन एग्जाम्पल बनाना हाँ जी बिल्कुल तो उसे हम क्या बोल रहे थे पार्थेनोकार्पी बोल रहे थे कार्पी बोल रहे थे फ्रूट होता है वही और कुछ नहीं कार्पी मींस फ्रूट तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जनरली जैसे हमें सीड देखने के लिए मिलते हैं, वो कब होते हैं? से ही होते हैं लेकिन हमें यहाँ पे क्या देखने के लिए मिल रहा है ए फ्यू फ्लावरिंग प्लांट्स एस्टेसिया एंड ग्रास मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन जिसे हम क्या बोलते हैं एपोमिक्सिस बोलते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं एपोमिक्सिस बोलते हैं तो एपोमिक्सिस इज फॉर्म ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये जो एपोमिक्सिस है ये क्या किसकी मिमिक्री करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्यों क्योंकि इसमें भी इवेंचुअली क्या फॉर्म होता है सीड का फॉर्मेशन होता है तो हम क्या बोल सकते हैं दैट इज मिमिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों क्योंकि इवेंचुअली इसमें भी सीड का फॉर्मेशन होता है In some species, the excel, थोड़ा नोट डाउन करिएगा हम पढ़े कैसे हैं एक्सेल हेप्लॉइड होता है हम कैसे पढ़े हेप्लॉयड होता है एक्सेल इस फॉर्म विदाउट रिडक्शनल डिवीजन विदाउट रिडक्शनल डिवीजन एंड डेवलप इन टू द इम्रियो विदाउट फर्टिलाईजेशन थोड़ा यार बातें समझने की कोशिश करिएगा बातें ऐसे समझिएगा देखिए हमें क्या बोला जा रहा है कि जो सेल है एग्सल जो है वो कैसा है डिप्लॉयड है जबकि हमें एग्सल कैसा देखने के लिए मिलता है हम कैसा पढ़े वो हैप्लॉयड होता है और इसमें हो क्या रहा है यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन नहीं हो रहा है ध्यान दीजिएगा सेल्स इज फॉर्म विदाउट विदाउट रिडक्शनल डिवीजन और रिडक्शनल डिवीजन हम किसे बोलते हैं यार आपको अच्छे से पता होना चाहिए हम किसे बोलते हैं मियोसिस को हम किसे बोलते हैं मियोसिस को तो यार यहां पे मियोसिस तो हो नहीं रहा है यहां पे फिर क्या हो रहा है अगर रिडक्शनल डिवीजन नहीं हो रहा है तो माइटोसिस होगा एज सिंपल एज दैट अब अगर माइटोसिस हो रहा है तो टू एन टू एन ये कंटिन्यूसली टू एन टू एन का फॉर्मेशन करता जाएगा एक टाइम पे ये एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा और क्या होगा एक प्लांट बना लेगा और विदाउट सीड के एक प्लांट तैयार हो जाएगा बातें समझ में आई हाँ जी बिल्कुल आनी चाहिए ओके अब अगर वहीं पर हम बात कर लें पॉली की अगर हम बात कर लें पॉली की तो आपने क्या देखा था न्यूसिलस आपने क्या देखा था न्यूसिलस देखा था आपने तो यहाँ पे ये जो न्यूक्लियर सेल होती है इनके चारों ओर क्या होता है सराउंडिंग द सैक स्टार्ट डिवाइडिंग तो यहाँ पे जो ये न्यूसिलस आपने देखा था चारों ओर ऐसे इसके अंदर ओव्यूल था दिस इज अ न्यूक्लियस ये इसके बगल बगल में ये क्या है ये न्यूसिलस है दिस इज अ न्यूसिलस तो यहाँ पे एक खुद का इम्रियो मतलब स्टार्टिंग में बना था तो यहाँ पे जो न्यूसिलस की सेल होती है इसके अंदर डिवाइड होके अलग 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 अलग, अलग इम्रियो बनाने लगते हैं ये यह, यहाँ पे आपने देखा ये पहले जो इमरियो था एक तो इमरियो था ही फिर उसके बाद न्यूसिलियस की सेल आके यहाँ पे इम्रियो बनाने लगती है ओके okay? तो यहाँ पे अब एक से ज्यादा इमरियो हो गया तो उसे हम क्या बोले पॉली तो जरा देख लीजिए प्रोट्रूट इन टू दिख एंड इन टू दिप्यूल मेनी इम्रियो हर ओब्यूल ढेर सारे इम्ब्रियो कंटेंट करते हैं और वो ओब्यूल आते कहा से है वो ओब्यूल आते कहा से है वेराइटी न्यूसिलर सेल सराउंड इम्रियो से डिवाइडिंग यहाँ पे किसका डिविजन होने लग रहा है किसका सेल जो इसके चारों ओर न्यूसिलर सेल हैं वो डिवाइड हो हो के सैक में आने लगी और जिसे हम क्या बोलते हैं पॉली इम्ब्रियोनी हाइब्रिड वराइटीज हाइब्रिड वराइटीज ऑफ सेवरल ऑफ आवर फूड और वेजिटेबल क्रॉप और विंग एक्सटेंसिवली कल्टिवेट और ये जो हाइब्रिड हाइब्रिड कल्टीवेशन होते हैं ये इंक्रीज प्रोडक्टिविटी करते हैं ये प्रोडक्टिविटी कैसे करते हैं इंक्रीज करते हैं हाइब्रिड की बात करूं, लेकिन यहाँ पे अग, अगर बात करूं तो एक प्रॉब्लम आ जाती है प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है देखिए सपोज़ क्या है हम चाहते हैं कि एक ऐसा फ्लावर है जो कि कैसा है पर्पल कलर का है और कैसा हो टॉल हो जो कैसा हो टॉल हो या फिर हम किसी जैसे हम क्रॉप में ही बात कर रहे हैं तो हम बात कर लेते हैं कि कोई ऐसा प्लांट जिसमें प्रोटीन भी हो और कैसा हो टॉल भी हो या फिर डिजीज प्रिवेंट हो जिसमें डिजीज ना हो तो हम किसी की भी बात कर लें तो यहाँ पे हम ऐसा चाहते हैं तो एक फ्लावर ऐसा है जो कि कैसा है पर्पल है ओके पर्पल है और दूसरा फ्लावर कैसा है पर्पल तो नहीं है लेकिन हाँ लॉन्ग जरूर है ओके तो जब हम इसमें क्रॉस करवा देंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवा देंगे तो हमें एक टाइम पे पर्पल फ्लावर और लॉन्ग फ्लावर दोनों देखने के लिए मिल जाएगा एक ही फ्लावर में फिर आगे इसे रिप्रोड्यूस कराएंगे फिर रिप्रोड्यूस कराएंगे तो इसके ये जो कैरेक्टर हैं, ये सेग्रीगेट होने लगेंगे ये कैरेक्टर सेग्रीगेट होने लग जाएंगे सेग्रीगेट मीन समझ रहे हैं या तो किसी प्लांट में मतलब एकदम पीछे की तरफ फिर हो जाएगा या तो कोई प्लांट होगा जो पर्पल ही होगा फ्लावर या तो कोई फ्लावर होगा जो टॉल ही होगा तो ये सेग्रीगेट होने लग जाएंगे ओके वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ हाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन में यहाँ पे एक प्रॉब्लम है जो कि जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ इज दैट द हाइब्रिड सीड है टू बी प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर तो ये जो हाइब्रिड सीड होंगे इन्हें हमें हर साल हर साल प्रोड्यूस करना होगा अगर हमें अच्छी प्रोडक्टिविटी चाहिए तो अगर अच्छी प्रोडक्टिविटी चाहिए तो इन सीड को पर ईयर पर ईयर प्रोड्यूस करना होगा अब ये जो है ये जो हाइब्रिड है इतना सस्ता तो है नहीं कॉस्टली है इफ़ द सीड्स कलेक्टेड फ्रॉम हाइब्रिड और सोन द प्लांट इज इन द प्रोजेनी विल सेग्रीगेट एक टाइम ऐसा आएगा जब ये प्लांट जो है इनके कैरेक्टर इनके जो कैरेक्टर हैं वो सेग्रीगेट होने लग जाएंगे एंड डू नॉट मेंटेन हाइब्रिड कैरेक्टर एक मतलब एक टाइम के लिए एक जनरेशन के लिए ये हाइब्रिड वाला कैरेक्टर तो मेंटेन रहेगा कि जिसमें हाँ भाई जो हम कैरेक्टर चाहते हैं सपोज हम चाहते हैं कि प्रोटीन हो मोर ज़्यादा नंबर में प्रो मतलब ज़्यादा प्रोटीन हो जिसमें और कैसा हो उसमें कोई डिजीज भी ना हो तो हमें एक जनरेशन के लिए एक टाइम पे तो मिल जाएगा लेकिन फिर ये कैरेक्टर आगे सेग्रीगेट होने लग जाएंगे या तो किसी में प्रोटीन ही होगा या फिर कोई डिजीजलेस ही होगा जिसमें डिजीज नहीं होगी तो इसीलिए ये बात दिक्कत वाली है और फिर क्या होगा एवरी ईयर पर ईयर ये जो सीड है यहाँ पे देखिए वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ हाइब्रिड इज दैट हाइब्रिड सीड बी प्रोड्यूस एवरी ईयर पर ईयर ये ये हाइब्रिड वाले सीड प्रोड्यूस करने होंगे और जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई ये कोई सस्ता तो है नहीं काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी है एक मतलब किसान की बात कर ली जाए तो प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड्स इज कॉस्टली एट हेंस द कॉस्ट ऑफ हाइब्रिड सीड बिकम टू एक्सपेंसिव फॉर द फार्मर्स तो भाई ये जो है काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा तो इसलिए दीज हाइब्रिड आर मेन मेड इन टू एपोमिक्ड हम क्या कर लेते हैं इसका एपोमिक्स बनाने की कोशिश करते हैं देयर इज नो सेग्रीगेशन मतलब कि जो यहाँ पे ये वाला सीड मिला है जो कि प्योर हाइब्रिड है कैसा है हाइब्रिड है तो हम इसमें इसका क्या कर लेते हैं एपोमिक्स बनाने की कोशिश करते हैं एपोमिक्स मीन समझ रहे हो हमें जो सीड मिले थे अभी वही तो हम पढ़ रहे हैं एपोमिक्सिस एपोमिक्सिस हम पीछे पढ़ के तो आ रहे हैं तो इसमें क्या होता है अब याद रखिए हम पीछे ये भी पढ़े थे यहाँ पे जरा देखिए हम यहाँ पे ये भी पढ़े थे कि ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन जेनेटिक वेरिएशन देखने के लिए मिलती है इसमें दे जन दे जनरेट न्यू जेनेटिक कम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन यहाँ पे क्या देखने के लिए मिल रहा है जनरेट जेनेटिक कम्बिनेसन यहाँ पे हमें कम्बिनेशन देखने के लिए मिलेगी एज वेल एज यहाँ पे हमें वेरिएशन भी देखने के लिए मिलेगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लेकिन जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा रहे हैं तो क्या हमें कोई वेरिएसन देखने के लिए मिलेगी बिल्कुल नहीं यही सीड एज इट इज एज इट इज उठ के यहाँ चलाएगा जो हम स्टोर कर लेंगे अब हमें फिर से नेक्स्ट ईयर वही कैरेक्टर चाहिए होगा है ना अगली ब्रीडिंग के लिए अगली क्रॉप के लिए देयर इज नो सेग्रीगेशन फॉर कैरेक्टर इन हाइब्रिड प्रोजेनी। यहां पे जो हाइब्रिड प्रोजेनी होगी जब हम एसेक्सुअल प्रोडक्शन से सीड का फॉर्मेशन करेंगे तो यहां पे कोई सेग्रीगेशन नहीं होगा कोई वेरिएशन नहीं होगी क्यों क्योंकि वो क्या है एपोमिक्ट Means, आप समझ 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 रहे हो हाँ जी बिल्कुल में में आनी चाहिए समझ में आनी चाहिए चाहिए बातें आपको अच्छे ओके फार्मर्स तो यहाँ पे अगर ये अपोमिक्ड वाली कंडीशन आ जाती है एपोमिक्सिस वाली कंडीशन आ जाती है तो जो ये हमारे फार्मर हैं इनको काफी ज्यादा आसानी होगी अच्छे से अच्छा मतलब क्रॉप उगाने में अच्छे से अच्छी क्रॉप उगाएंगे और अच्छे से अच्छा मतलब पूरे इंडिया को प्रोड्यूस करेंगे पूरे इंडिया को देंगे तो ये भाई अच्छी बात है तो हमारे साइंटिस्ट भी इस इस इसपे लगे हुए हैं बिकॉज ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस इन हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री एक्टिव रिसर्च इज गोइंग टू ऑन इन मेनी लेबोरेटरीज टू अंडरस्टैंड द जेनेटिक ऑफ एपोमिक्सिस एंड द ट्रांसफर एपोमिक जीन इन टू हाइब्रिड वेराइटीज तो भाई हमारे जो साइंटिस्ट हैं पूरी दुनिया में मतलब पूरी दुनिया में जा जाके अच्छी अच्छी लेबोरेटरीज में के पीछे की साइंस को के पीछे की जेने, जेनेटिक को प्रॉपर तरीके से जानने की कोशिश कर रहे हैं जिससे जो हमारे किसान भाई हैं उनकी हेल्प कर सके और देश की सेवा कर सके तो फ्रेंड्स होप है आपको यहाँ पे ये चैप्टर पूरा समझ में आया होगा और हाँ यार इसी के साथ ये चैप्टर आपका होता पूरा कंप्लीट तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा आपको ये चैप्टर समझ में आया या नहीं आया आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हाँ इसके दो लेक्चर बने मतलब दो पार्ट बना है आप दोनों पार्ट देखिएगा और हाँ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए जिससे आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते हैं एंड इफ यू वॉन्ट टू मोर वीडियोज़ फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब एम डॉट एम एजुकेशन यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बाय बाय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ओके okay.